नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं चेतन एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का आपके अपने बिहार उत्कर्ष परिवार में। अभी तक हमने काफ़ी सारे टॉपिक्स को थ्योरी के माध्यम से कंप्लीट कर लिया है। चाहे हम बात करें मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, चाहे हम बात करें इमरजेंसी के बारे में, इसके अलावा फंडामेंटल राइट के बारे में, हमने उन तीनों चीज़ों को कवर कर लिया है। इसके अलावा भी हमने चीज़ों को कवर किया है, मगर आज हम पढ़ने जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के बारे में, उच्चतम न्यायालय के बारे में या सर्वोच्च न्यायालय के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। सर, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट, मतलब एक एक चीज़ को गहराई से बताने का मेरा जो उद्देश्य है वो रहेगा। इवन हमेशा ही रहा है कि मैं आपको एक एक चीज़ बिल्कुल ज़ीरो से लेकर समझा पाऊँ, और वही मेरा प्रयास रहेगा कि यहाँ पर आज मैं सुप्रीम कोर्ट के बारे में आपको एक एक चीज़ बता पाऊँ। ठीक है, तो चलिए क्लास को फटाफट से शेयर कर दीजिए, लाइक ज़रूर कर दीजिए और क्लास को एंड तक ज़रूर वॉच कीजिएगा। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टॉपिक देख लीजिए, एक बार दोबारा से आपके सामने टॉपिक दिखा देता हूँ। यहाँ पर लिखा हुआ है भारत का सर्वोच्च न्यायालय, अगर हम देखेंगे तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। मतलब स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये कहूँगा, अपने मन में एक सवाल ज़रूर लेकर आइए और मैं जो सवाल पूछ रहा हूँ उसका जवाब ज़रूर दीजिए। भारत में कुल मिला के कितने सुप्रीम कोर्ट हैं? वैसे जेन्युइन तरीके से सवाल पूछ रहा हूँ, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है कि भारत में कुल मिला के सुप्रीम कोर्ट कितने हैं। हो सकता है कि अभी किसी विद्यार्थी के मन में ये सवाल, मतलब पहले इस सवाल को सुन के जवाब आया होगा 25 सुप्रीम कोर्ट है। किसी के मन में ये भी आया होगा 2 सुप्रीम कोर्ट हैं। किसी के मन में ये भी आया होगा 1 सुप्रीम कोर्ट है। तो जिसके मन में ये आया है जवाब कि 1 सुप्रीम कोर्ट है, उसने तो सही सोचा है। मगर यदि कोई 25 सुप्रीम कोर्ट सोच रहा है तो वो बिल्कुल गलत सोच रहा है और वो गलत डायरेक्शन में मूव कर रहा है। और यही जो आपकी गलत सोचने की आदत है ना, ये आपको आगे जाकर नुकसान देती है। तो भारत में कुल मिला के कितने सुप्रीम कोर्ट हैं? भारत में कुल मिला के एक ही सुप्रीम कोर्ट है। आप बोलोगे ये तो मुझे पहले भी पता था, नया क्या बता रहे हो। सर, एक ऐसे व्यक्ति थे इस देश के अंदर, या फिर एक ऐसे व्यक्ति, मतलब आज भी मैं तो उन्हें एक तरीके से जीवित ही मानता हूँ, B.R. अंबेडकर साहब, भीमराव रामजी अम्बेडकर। उनका ये मानना था कि न्याय को इतना सस्ता बना दीजिए कि हर कोई न्याय को प्राप्त कर सके। मगर क्या आज की परिस्थिति में या आज के समय में सही मायने में न्याय सस्ता है? मतलब अगर आपको इंसाफ चाहिए, आपको न्याय चाहिए तो सस्ता है। वो उस मूवी में बोलता है ना सनी देओल कि क्या मिला मुझे, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। तो ये क्या तारीख पे तारीख वाली बात सही है? इसको भी डिस्कस करते हैं, उसके बाद चीज़ों को आगे लेकर चलेंगे। सर देखिए, अगर आप मुझसे व्यक्तिगत तौर पे पूछेंगे ना न्याय सस्ता है या नहीं है, तो मैं एग्जाम्पल के तौर पर आपको समझा पाऊँगा। एक व्यक्ति तमिलनाडु में बैठा है या फिर एक व्यक्ति केरल में बैठा है, और वो एक सामान्य वर्ग का व्यक्ति है, सामान्य परिवार से संबंध रखता है, और मान लीजिए किसी संबंधित केस उसने किया है या फिर किसी संबंधित मामला में वो पेश हो रहा है, पेशी उसकी हो रही है। और कहाँ केस कहाँ पर है? सुप्रीम कोर्ट में। केरल में रहता है, सुप्रीम कोर्ट में केस है, और मान लीजिए तारीख पड़ रही है उसकी हर 1.5 महीने बाद 2 महीने बाद। तो कैसे सस्ता हुआ न्याय? कैसे सस्ता है न्याय? वो वहाँ से अपना रोज़गार छोड़कर, वो तो चलिए एक अलग चीज़ है कि आपको पेश होना ज़रूरी है, मगर वो केरल से अगर न्याय पाने के लिए दिल्ली तक की यात्रा कर रहा है, 500 रुपये, 1000 रुपये, 2000 रुपये, 3000 रुपये खर्च कर रहा है, और न्याय मिलने में सालों साल का समय लग रहा है, तो कैसे सस्ता हुआ न्याय? आप बोलोगे सर बात तो सही कह रहे हो, मगर क्या हमारे पास कोई ऑप्शन है? एक केरल में बैठा हुआ व्यक्ति दिल्ली में आके इंसाफ की मांग कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट के चक्कर काट रहा है, तो न्याय कैसे सस्ता हुआ? सर उस परिस्थिति में आप देखेंगे न्याय सस्ता नहीं है, और मैं सीरियसली कहूँगा कि न्याय सस्ता नहीं है। तो सस्ता बनाने के लिए क्या किया जाए? एक सुप्रीम कोर्ट के ही चीफ जस्टिस या जज थे, उन्होंने एक बार एक प्रस्ताव या फिर एक मांग, एक डिमांड रखी थी और कहा था कि भारत में एक नहीं 2 सुप्रीम कोर्ट होने चाहिए। एक तो अगर आप देखोगे नॉर्थ इंडिया में, दिल्ली के अंदर हो गया, और एक उनकी ये मांग थी कि एक साउथ इंडिया में भी होना चाहिए। और व्यक्तिगत तौर पर अगर आप मुझे पूछेंगे कि ऐसा होना चाहिए, तो मैं एक सामान्य नागरिक होने के आधार पर ये बात कहूँगा, हाँ बिल्कुल ऐसा होना चाहिए। और मैं तो ये कहूँगा कि एक नहीं 3 या 4 सुप्रीम कोर्ट होने चाहिए। आप बोलोगे सुप्रीम कोर्ट का मतलब ही सुप्रीम है। सर, अगर आप प्रधानमंत्री पद का निर्माण करते हैं और डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर भी बना देते हैं, तो कोई गलत थोड़ी कर रहे हैं। या फिर अगर आप देखेंगे आज की डेट में स्टेट में एक ही राज्य में 3-3 मुख्यमंत्री मिल जाते हैं, अपना अपना काम कर रहे हैं ना। सर स्टेट बड़ा है, राज्य बड़ा है, बड़े राज्य को संभालने के लिए अगर तीनों लोगों के बीच में काम को डिवाइड कर दिया गया, कोई गलत थोड़ी है। तो मान लीजिए अगर हम एक एग्जाम्पल के तौर पर कहें 2 सुप्रीम कोर्ट बना दिए गए, तो कोई दिक्कत थोड़ी है। वहाँ के व्यक्ति को न्याय सस्ते रूप में मिल रहा है, आसानी से ट्रेवल कर सकता है, 500 किलोमीटर या 1000 किलोमीटर की रेडियस में है, उसे 2-3 हज़ार किलोमीटर का रास्ता थोड़ी तय करना पड़ रहा है। तो इस बात पर ज़रूर ध्यान दीजिएगा। अब आगे चलते हैं, अब जानते हैं सुप्रीम कोर्ट के इतिहास के बारे में, हिस्ट्री के बारे में। आपने आसानी से इस पॉइंट को ज़रूर पढ़ा होगा, कभी ना कभी यहाँ पॉइंट आपने डिस्कस मैंने भी किया है अपनी क्लास में।
अगर हम बात करें सर, तो अंग्रेज़ों के द्वारा सबसे पहले भारत में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना करवाई गई थी 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से। किस एक्ट के माध्यम से? तो 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से, रेगुलेटिंग अधिनियम के माध्यम से भारत में सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट की स्थापना जो है वो करवाई गई थी। मगर ये जो केवल सुप्रीम कोर्ट था ना, ये बंगाल, मद्रास और बॉम्बे के लिए था। और 1773 अधिनियम के आधार पे सुप्रीम कोर्ट की जो स्थापना करवाई गई थी वो 1774 में करवाई गई थी, 1774 के अंदर। और अगर हम देखें इस 1774 कैलकटा सुप्रीम कोर्ट के बारे में, अगर हम देखें 1774 कैलकटा सुप्रीम कोर्ट के बारे में, कलकत्ता उच्चतम न्यायालय के बारे में या कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय के बारे में, तो हम सभी लोग जानते हैं कि इसकी स्थापना जब करवाई गई थी तो इसका जो पहला मुख्य न्यायाधीश आपको मिल जाएगा, पहला जो आपको इसका चीफ जस्टिस मिल जाएगा, उसका नाम क्या था? उसका नाम था एलिजे इम्फी। ठीक है, इसको पहले भी डिस्कस किया है इसीलिए इसको इतना अच्छे से ज़्यादा डिस्कस करने की नीड नहीं है, अभी आवश्यकता नहीं है। तो 1774 कैलकटा में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई और चीफ जस्टिस जो मिल जाएगा, मुख्य न्यायाधीश जो मिल जाएगा, उसका नाम था एलिजे इम्फी। इसके साथ साथ अगर हम और बात करें तो सर, क्या जब सुप्रीम कोर्ट पहला बनाया गया था तो वो हर एक मामले में हस्तक्षेप कर सकता था, हर एक मामले में वहाँ पर आप न्याय मांग सकते थे जाके? तो मैं कहूँगा कि अंग्रेज़ों की जो सोच थी ना, वो अच्छे तरीके से सोचते थे, शायद बेहतर तरीके से सोचते थे। तो अंग्रेज़ों का ये मानना था कि अगर हमने भारतीयों के धर्म से संबंधित मामलों में इंटरफेयर किया, अगर हमने भारतीयों के जो निजी मामले हैं, धर्म से संबंधित मामले हैं, अगर उनमें कहीं ना कहीं हमने कुछ संशोधन करने की कोशिश करी तो ये लोग भड़क जाएंगे, और अगर ये लोग भड़क गए तो हमें बाहर का रास्ता दिखाएंगे और हमें वापस इंग्लैंड जाना पड़ेगा। क्योंकि जितने युद्ध आप देखेंगे दुनिया में हुए हैं, अधिकतम अगर आप देखेंगे ना, मैक्सिमम युद्ध अगर आप देखेंगे, तो उनके पीछे कहीं ना कहीं वजह जो थी वो धर्म ही था, रिलीजन ही था। चाहे आप इस समय देख लीजिए इसराइल और हमास के युद्ध को, वजह क्या है? दो वजहें हैं, भूमि और धर्म। तो यही वजहें आपको इतिहास के किसी भी युद्ध को उठाकर देख लीजिए, आप बाबर के युद्ध को उठाकर देख लीजिए, पानीपत का प्रथम युद्ध देख लीजिए। बाबर क्यों मारा मारा घूम रहा था? सर, बाबर को मार के भगाया समरकंद से, बेचारा काबुल कांधार पहुंचा 1508 के आसपास। ठीक है, उसके बाद उसे ये था कि भाई वो स्थापित नहीं हो पा रहा था कहीं, उसके बाद भारत में ही एक युद्ध लड़ा गया जिसे जिस युद्ध में जिहाद का नारा दिया गया। यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ राणा सांगा के साथ लड़े गए युद्ध के बारे में। ठीक है, तो जिहाद का नारा देकर उसने यही तो बोला था कि भाई हमारा धर्म कहीं, मतलब हम कहीं अपने धर्म को तो एस्टैब्लिश करेंगे जाके, तो धर्म के नाम पे युद्ध लड़ा गया। सीधा सीधा इतिहास के पन्नों में धर्म के नाम पे युद्ध लड़ा गया 1527 के अंदर। ठीक, तो वैसे ही अंग्रेज़ ये बात जानते थे कि जहाँ हमने इनके धर्म में हस्तक्षेप किया वहीं दिक्कत हो जाएगी। इसीलिए जब सुप्रीम कोर्ट बनाया गया तो वो केवल सिविल मैटर और क्रिमिनल मैटर के संबंध में ही आपको देखने के लिए मिल जाएगा। बेसिकली अगर आप देखेंगे तो क्रिमिनल मैटर्स के संबंध में ही मिल जाएगा। और अगर आप ये 1773 उठाकर देखेंगे ना सर, यहाँ तक पता है कौन सा कानून चल रहा था? शायद आपने कभी इस तरीके से सोचा नहीं होगा कि यहाँ तक कौन सा कानून चल रहा था। भाई यहाँ तक औरंगजेब का ही कानून चल रहा था। ठीक है, और अगर आप देखेंगे हमारे कानून को उस समय, तो कानून कुछ इस प्रकार के हुआ करते थे, किसी की गाय चुरा ली तो बंदे को ही कटवा दो, इस तरीके के कानून हुआ करते थे क्रिमिनल से संबंधित। तो कभी भी कहीं आप क्रिमिनल वाली लॉस लोग अपने हिसाब से फॉलो नहीं करते, अगर पर्टिकुलर किसी रिलीजन के अगर आप हिसाब से देखेंगे तो सिविल तो लॉ फॉलो कर रहे हैं, सिविल लॉ फॉलो करने के लिए मना कर रहे हैं, मगर क्रिमिनल वो इंडियन पिनल कोड के हिसाब से ही फॉलो कर रहे हैं। भाई साहब, किसी ने गाय चुरा ली बंदे को थोड़ी कटवा देंगे, चोरी तो करिए। मगर अगर आप देखोगे ना औरंगजेब की वो अलामगीरी, वो जो उसके हिसाब से चलती थी भाई कानून, तो उसमें यही था, चोरी की सजा, सजाए मौत। ठीक, तो आपने देखा 1774 के अंदर भारत में पहले सुप्रीम कोर्ट की स्थापना करवाई गई, जो कि कैलकटा के अंदर सुप्रीम कोर्ट था जिसका चीफ जस्टिस एलिजे इम्फी था। वक्त आगे भी था, वक्त आगे बढ़ा, 1861 में हाई कोर्ट्स बनाए गए, तीन हाई कोर्ट बनाए गए। एक हाई कोर्ट आपको मिल जाएगा कैलकटा हाई कोर्ट, एक आपको मिल जाएगा बॉम्बे हाई कोर्ट, एक आपको मिल जाएगा मद्रास हाई कोर्ट। मगर यहाँ पर हम हाई कोर्ट्स को डिस्कस नहीं कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट को ही डिस्कस कर रहे हैं मुख्य तौर पर। तो इसके बाद अगर आप देखेंगे तो साल आएगा 1937 का, 1937 का साल, 1937 के अंदर संघीय न्यायालय की स्थापना करवाई गई, संघीय न्यायालय की स्थापना करवाई गई जिसे फेडरल कोर्ट के नाम से भी हम जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? जिसे हम फेडरल कोर्ट के नाम से भी जानते हैं। अब ये फेडरल फेडरल कोर्ट जो है ये किस चिड़िया का नाम है?
संघीय न्यायालय की अगर हम बात करें तो ये किस चिड़िया का नाम है? तो देखिए सर, अंग्रेज़ों ने नई दिल्ली में एक अदालत या एक न्यायालय की स्थापना करवाई और इस न्यायालय की एक ब्रांच को ओपन करवाया गया लंदन में भी। एक ब्रांच इन्होंने बनाई इसकी कहाँ पर? नई दिल्ली, न्यू दिल्ली के अंदर एक इसकी ब्रांच बनाई, मतलब दिल्ली के अंदर एक इसकी ब्रांच को स्थापित किया, और इसकी ही एक ब्रांच जो है वो लंदन में बनाई गई। ठीक, मतलब इसी की एक ब्रांच जो है वो लंदन के अंदर बनाई गई। और फेडरल कोड का मुख्य तौर पर अर्थ क्या रहेगा? फेडरल कोड का मुख्य तौर पर अर्थ रहेगा कि अगर आप नई दिल्ली में बनी हुई ये जो फेडरल कोर्ट की एक ब्रांच है, इसके दिए गए फैसले से सेटिस्फाइड नहीं है, मगर इसका फैसला जो है वो आपको सुनिश्चित नहीं कर रहा है, मतलब आप इसके फैसले से पूरी तरह से सेटिस्फाइड नहीं है, आपको सही नहीं लग रहा है इसका फैसला, तो आप इसके फैसले को चुनौती दे सकते हैं लंदन के अंदर। ये आपको मिल जाएगा फेडरल कोर्ट का अर्थ, ये आपको मिल जाएगा संघीय न्यायालय की परिभाषा, बेसिक भाषा में अगर हम बात करें। इस संघीय न्यायालय की स्थापना भारत सरकार अधिनियम 1935 के आधार पर करवाई गई थी। भारत सरकार अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम 1935 के आधार पे, 1935 के आधार पर स्थापना करवाई गई थी। किसकी? संघीय न्यायालय की स्थापना करवाई गई थी। और इसका जो पहला मुख्य न्यायाधीश, पहला चीफ जस्टिस मिल जाएगा, वो मॉरिस गेवियर नाम का एक व्यक्ति था। मॉरिस गेवियर नाम का एक व्यक्ति आपको मिल जाएगा, ये पहला इसका मुख्य न्यायाधीश था, पहला इसका मुख्य न्यायाधीश यहाँ पर ये आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो ये इसका पहला चीफ जस्टिस था, पहला मुख्य न्यायाधीश था। सर अभी तक कहीं कुछ ऐसी हमने डिस्कशन नहीं करी है, तो बहुत ही कठिन हो, बहुत मुश्किल हो, बहुत बेसिक सरल भाषा में आपको मैं समझा रहा हूँ। सर जितनी सरल भाषा में किसी चीज़ को आप समझेंगे उतना ज़्यादा फायदा आपको आगे चलकर होगा। ठीक है, अभी आर्टिकल्स को भी डील करेंगे, कैसे भारत में सुप्रीम कोर्ट बनी। ठीक है, एक गणेश नाम का व्यक्ति मिल जाएगा जिसने इस बिल्डिंग को डिज़ाइन किया था या बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन करवाई थी। ठीक है, जीवी मावलंकर की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ठीक, जीवी मावलंकर साहब की बात नहीं कर रहा हूँ, गणेश वासुदेवन मावलंकर, वो तो लोकसभा के पहले स्पीकर थे। गणेश नाम के ही यहाँ पर व्यक्ति मिलेंगे जिन्होंने इस इमारत को डिज़ाइन किया था, इस तरीके से मिल जाता है। और ये जो नई दिल्ली में फेडरल कोर्ट बनाया गया था ना, आगे चल के इसी इमारत में सुप्रीम कोर्ट देखने के लिए आपको मिल जाता है। वक्त आगे बीता, समय आगे निकला, समय आगे निकला, भारत आज़ाद हुआ, संविधान सभा का निर्माण करवाया गया, और उसी ही संविधान सभा ने भारत में सुप्रीम कोर्ट की भी स्थापना करवाई। ठीक है, उस ही संविधान सभा के द्वारा ही तो सुनिश्चित किया गया था अनुच्छेद, आर्टिकल जो आपको मिल जाता है 124 से लेकर 147 तक, ये आर्टिकल्स का निर्धारण, ये आर्टिकल्स का निर्माण किसके द्वारा किया गया? तो संविधान सभा के द्वारा ही तो इन आर्टिकल्स का निर्माण निर्धारण जो है वो किया गया था। ठीक, तो चलिए आगे चलते हैं और आगे बढ़ते हैं और चीज़ों को समझते हैं। देखिए, आगे बढ़ने से पहले दिवाली का धमाका, दिवाली का महाधमाका इस बार उत्कर्ष लेकर आया है आप सभी लोगों के लिए 90% तक डिस्काउंट। ठीक है, अप टू 90% डिस्काउंट आपको मिल जाएगा कोर्सेज पर, चाहे आप किसी भी कोर्स को बाय करें, किसी भी कोर्स को परचेज करें। और अगर आप बिहार के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और बाय करना चाहते हैं कोई भी कोर्स, तो यहाँ पर आपको एक नहीं, दो नहीं, तीन बेनिफिट देखने के लिए मिल रहे हैं, तीन लाभ देखने के लिए मिल रहे हैं। तो असली दिवाली तो तुम्हारी है इस बार। 90% तक डिस्काउंट आपको मिल जाएगा, अप टू 90% कोर्सेज पर। फ्री मिल जाएगी टेस्ट सीरीज, जिस टेस्ट सीरीज के लिए आप पैसा चुकाते हो, 100, 200, 300, 500, जिस टेस्ट सीरीज के लिए आप पैसा चुकाते हो वो टेस्ट सीरीज बिल्कुल मुफ्त आपको मिल जाएगी। और इतना ही नहीं, एक और लाभ आपको मिल जाएगा, 6 महीने तक आपको एक्स्ट्रा वैलिडिटी मिल जाएगी कोर्स की। ठीक है, तो ये तीनों ही बेनिफिट आपको मिल रहे हैं और ये ऑफर केवल वैलिड है 10 से लेकर 15 नवंबर तक, और 11 आज हो गई है भाई। इंतज़ार मत करो, क्योंकि इंतज़ार करने से किसी को कुछ नहीं मिलता, इंतज़ार करने वालों को केवल उतना ही मिलता है जितने कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। तो आप ये मत कीजिए, इंतज़ार मत कीजिए, जो कोशिश करके परचेज कर लेगा वो नौकरी भी पा लेगा। क्लियर, चलिए आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं और चीज़ों को समझते हैं। तो एक बेसिक स्ट्रक्चर, एक बेसिक आइडिया तो मैंने आपको समझा दिया कि सुप्रीम कोर्ट कैसे, कब और किस तरीके से बन रहा है। तो फेडरल कोर्ट के बाद अब हम तारीख लिखते हैं यहाँ पे, 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 को स्थापना की गई किसकी? तो सर 26 जनवरी 1950 को स्थापना की गई भारत में सर्वोच्च न्यायालय की, सुप्रीम कोर्ट की एस्टैब्लिशमेंट जो है वो की गई। किसकी स्थापना की गई सर? सुप्रीम कोर्ट की एस्टैब्लिशमेंट की गई, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना जो है यहाँ पर की गई।
अब सर सुप्रीम कोर्ट की स्थापना तो हो गई, और देखिए मतलब बिहार एसआई के प्रोस्पेक्टिव से ही मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, क्योंकि वो आप बोलेंगे कि सर एच जे कानिया के बारे में आपने एंट्री नहीं करवाई, हीरा लाल जे कानिया। तो हाँ सर, हीरा लाल जे कानिया 1947 के आसपास, मेरे ख्याल से 14 अगस्त 1947 को फेडरल कोर्ट के चीफ जस्टिस बनेंगे। फेडरल कोर्ट के चीफ जस्टिस भी थे वो, मुख्य न्यायाधीश फेडरल कोर्ट के भी थे वो, और अंतिम भी आप बोल सकते हो कि फेडरल कोर्ट का अंतिम चीफ जस्टिस कौन बना, मगर इस तरीके से आज तक किसी परीक्षा ने सवाल पूछा नहीं है। तो जब इस तरीके से कोई परीक्षा में सवाल पूछा नहीं जा रहा है, तो हमें भी उसको पढ़ने की शायद आवश्यकता नहीं है। बट फिर भी मैंने आपको एक पॉइंट और एडिशनल रूप में दे दिया है, लिख लेना ठीक। तो भाई सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हो गई, और सुप्रीम कोर्ट की स्थापना जो है आपको भारत के संविधान के भाग 5 में देखने के लिए मिल जाएगी, पार्ट 5 में ही आपको देखने के लिए मिल जाएगी, रोमन भाषा में लिखा हुआ ऐसे ठीक। तो भाग 5 में आपको देखने के लिए मिल जाएगी। इसके साथ साथ अनुच्छेदों की अगर हम बात करें, आर्टिकल्स की अगर हम बात करें सर, अनुच्छेदों की यहाँ पर अगर हम बात करें कि कौन कौन सा अनुच्छेद यहाँ पर हमें देखने के लिए मिल जाएगा, तो 124 से लेकर 147 तक के अनुच्छेद हमें यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएंगे। क्या सारे याद होने चाहिए? सर याद तो 395 के 395 होने चाहिए, मगर अगर सारे याद करने बैठेंगे तो एक ही सब्जेक्ट कवर हो पाएगा? सारे तो कवर नहीं हो पाएंगे, तो जो जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसी को कवर करेंगे। जैसे अपॉइंटमेंट करता है कौन, राष्ट्रपति कर रहा है, भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद में है, तो आर्टिकल 124 के सब क्लॉज 2 में लिखा हुआ है। तो इस तरीके से जो इंपॉर्टेंट है उसी को कवर करेंगे ठीक है। अब जब सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी तो उस समय सिस्टम था 1+7, 1+7 उस समय सिस्टम आपको देखने के लिए मिल जाता है। अब ये 1+7 क्या है, 1+33 क्या है, इनको भी समझते हैं, पहले समझते हैं फिर बोर्ड पर उतारेंगे। और एक चीज़ और याद रखना, जो घर में बैठकर ये सोच रहा है ना कि 28 जनवरी नहीं लिखा, तो भाई अभी स्थापना करवाई है, मीटिंग करवाई नहीं। तो मीटिंग होगी 28 जनवरी 1950 को, स्थापना होगी 26 जनवरी 1950 को, दो अलग अलग प्रकार के सवाल हैं, सेम नहीं है ठीक। और आज एंड में क्वेश्चंस भी कवर करेंगे सुप्रीम कोर्ट के, तो एंड तक ज़रूर थ्योरी को कवर करिएगा, थ्योरी को अच्छे से समझिएगा, ताकि लास्ट में जाकर जब क्वेश्चंस मैं पूछूंगा तो आपके पास सभी सवालों के जवाब हो। तो देखिए, अगर आप भारत के संविधान का अनुच्छेद 124 से उठाकर देखेंगे तो वहीं आपको ये लिखा हुआ मिल जाएगा कि भारत में एक सुप्रीम कोर्ट होगा, उच्चतम न्यायालय होगा, और उच्चतम न्यायालय में जो जजों की संख्या आपको देखने के लिए मिल जाएगी, उसमें एक आपको मुख्य न्यायाधीश देखने के लिए मिल जाएगा, और एक आपको देखने के लिए मिल जाएगा, मतलब एक आपको मुख्य न्यायाधीश देखने के लिए मिल जाएगा और 7 आपको जज देखने के लिए मिल जाएंगे। थोड़ा सा कोलिजियम भी समझा दूंगा, कोशिश करूंगा कोलिजियम समझा दूँ, क्योंकि कोलिजियम खुद में ही मैं एक टॉपिक मानता हूँ बिहार PCS के अकॉर्डिंग, कम से कम मिनिमम PCS के अकॉर्डिंग, मगर फिर भी थोड़ा बहुत कोलिजियम आपको समझा दूंगा, कोशिश करूंगा ठीक। तो उस समय क्या सिस्टम था, 1+7, आज क्या सिस्टम है, 1+33। मौजूदा परिस्थिति में एक तो आपको मुख्य न्यायाधीश मिल जाएंगे DY चंद्रचूड़, और 33 आपको जज मिल जाएंगे सुप्रीम कोर्ट के अंदर। क्या 1+7 लिखा हुआ है भारत के संविधान में या 1+33 लिखा हुआ है? तो अगर आपसे यही क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि ठीक है 1+33 है, मगर लिखा कितना हुआ है आज भी संविधान में, तो संविधान में आज भी 1+7 ही देखने के लिए आपको मिलेगा। बहुत बेसिक बेसिक पॉइंट है, मगर इंपॉर्टेंट है, रिवाइज करते हैं, दोबारा से समझते हैं। तो यहाँ तक का काम हो गया 26 जनवरी 1950 तक का। आगे चलिए, आगे डेट डाल लीजिए सर 28 जनवरी 1950। 28 जनवरी 1950 को सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट उच्चतम न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय में पहली बैठक करवाई गई, में पहली बैठक। तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो पहली बैठक आपको देखने के लिए मिल जाएगी वो 28 जनवरी 1950 को हुई थी। कुछ और बेसिक पॉइंट समझते हैं सर, सुप्रीम कोर्ट उच्चतम न्यायालय में, सुप्रीम कोर्ट उच्चतम न्यायालय में जजेस की संख्या 1+7 थी 1950, 1950 यहाँ पर लिख लेना। आप और बेहतर अपनी भाषा में लिखना चाहें लिख सकते हैं सर, याद करने का तरीका आप पे निर्भर होता है। मुझे याद है जब मैंने 2012-13 में गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन शुरू की थी, तो मुझे आज भी याद है मैं जब मैथ्स पढ़ता था ना तो ब्रैकेट में ऐसे लिख लेता था, 3 × 3 किया है यहाँ पर, इसकी वैल्यू 9 है। मैं इतना भी लिखता था, आप बोलोगे
ये तो मेरे को याद है, मुझे तो 3 की क्यूब क्या 3 का 6 भी याद है। तो सर अगर आपको किसी भी चीज़ में परफेक्ट होना है ना, तो परफेक्ट होने से पहले आप एक दिन शून्य थे, जैसे ये ब्रह्मांड भी शून्य से ही बना है, ठीक। तो हम भी एक समय पे शून्य थे, तो धीरे धीरे चीज़ों को लिख कर याद करते हैं। अब मैंने तो यहाँ पर ये लाइन लिख दी सुप्रीम कोर्ट में जजेस की संख्या 1+7 थी 1950 में। अब अगर आपने भी इतना ही लिख कर छोड़ दिया ना अपनी कॉपी में, तो सबसे पहले 2 दिन बाद आपको ये डाउट आएगा कि यार 1+7 थी जजेस की संख्या, मतलब जज टोटल हो गए 8, चीफ जस्टिस तो लिखा ही नहीं। तो भाई जज जहाँ लिखा है ना वहीं पर, चाहे तो तुम अपनी कॉपी में CGI साथ में लिख लेना, CGI और जजेस की संख्या दोनों मिला के 1+7 8 थी। तो अपनी भाषा में लिखिए, बेहतर से बेहतर अपनी भाषा में जो आपको समझ आए, ठीक है ना। अब भाई बाबू का मतलब तो बाबू भैया भी है, और बाबू का मतलब बाबू भी है, और बाबू तो घर में छोटे बच्चे को ही बोल देते हैं, मगर तुमने किस भाषा में समझाया वो वाले बाबू पे फर्क पड़ता है ना। वैसे ही पढ़ाई है, तुमने किस भाषा में समझी है उससे फर्क पड़ता है, ठीक, क्लियर। चलिए जी आगे चलते हैं, मौजूदा करंट सिचुएशन में, मतलब अभी की करंट सिचुएशन में, यहाँ पे यारी लिख देता हूँ 2023 में, संख्या 2023 में जो संख्या यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगी वो कितनी मिल जाएगी, तो 2023 में जो यहाँ पर आपको संख्या देखने के लिए मिल जाएगी वो आपको मिल जाएगी 1+33, ठीक है, 1+33 आपको देखने के लिए यहाँ पर ये संख्या जो है मिल जाएगी। बेसिक है सर मगर इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, मतलब आसानी से आप कवर कर सकते हैं, किसी प्रकार की कोई दिक्कत आपको आएगी नहीं। चलिए आगे चलते हैं और समझते हैं। चलिए जी नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं। अब अगले पॉइंट में हम लिखेंगे सर भारत का पहला मुख्य न्यायाधीश कौन था, भारत का प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन था, चीफ जस्टिस कौन था, भारत का पहला CGI कौन था, मुख्य न्यायाधीश कौन था। तो यहां पर ये जवाब बन जाता है H.J. कानिया, ठीक है, हीरा लाल जे कानिया जो आपको मिल जाएंगे। तो ये ही भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश थे, फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो आपको देखने के लिए मिल जाएंगे वो यही मिल जाएंगे। इसके साथ साथ अगर हम बात करें सर करंट मौजूदा परिस्थिति में कौन है, तो सर करंट मौजूदा परिस्थिति में जो आपको मिल जाएंगे वो 50वें नंबर के हैं, 50th नंबर के हैं, उनका नाम है DY चंद्रचूड़। उनका नाम क्या है, उनका नाम है DY चंद्रचूड़, ठीक है। अब 2 पॉइंट तो हमने लिख लिए, अब समझेंगे कहानी समझेंगे सर, एक नहीं 2-3 कहानी समझेंगे, शाह बानो वर्सेस मोहम्मद अहमद खान का केस भी समझेंगे। सुप्रीम कोर्ट पढ़ रहे हैं और केस ना पढ़ें कोई भी उठाकर, तो फिर फ़ायदा ही नहीं है सुप्रीम कोर्ट पढ़ने का, ऐसे ही सुप्रीम कोर्ट को हम कैसे ही जान पाएंगे कि क्या कर रहा है सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। तो देखिए 1950, 26 जनवरी 1950 सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, 28 जनवरी 1950 को सुप्रीम कोर्ट की पहली बैठक हुई नई दिल्ली, मैंने बताया फेडरल कोर्ट की जो बिल्डिंग थी उसी का नाम उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय कर दिया गया। अब सर हीरा लाल जे कानिया सुप्रीम कोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश बन गए, मुख्य न्यायाधीश बने, और ये पहले मुख्य न्यायाधीश भी थे, और ये पहले ऐसे मुख्य न्यायाधीश थे जिनका कार्यकाल के दौरान ही निधन हो गया, इनकी डेथ हो गई थी सर, मुख्य न्यायाधीश रहते हुए ही इनकी डेथ हो गई थी, मर गए थे मुख्य न्यायाधीश रहते हुए, पहले ये थे। और ऐसे दूसरे मुख्य न्यायाधीश कौन थे, उनका नाम था सभ्यसाची मुखर्जी, सभ्यसाची मुखर्जी दूसरे ऐसे मुख्य न्यायाधीश थे जिनका कार्यकाल के दौरान ही निधन हो गया था, उनकी डेथ हो गई थी, ठीक है, ये भी मैं लिखवा दूंगा स्क्रीन पर, काम चल जाएगा। अब देखिए अगर आपने DY चंद्रचूड़ का नाम सुना है तो आपने इनके पिता YV चंद्रचूड़ का नाम भी जरूर सुना होगा, ठीक है। YV चंद्रचूड़ कौन थे सर, YV चंद्रचूड़ भी मुख्य न्यायाधीश थे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, ये पहले हैं सर ऐसे जिनका पिता भी मुख्य न्यायाधीश था इस देश में, और ये स्वयं भी मुख्य न्यायाधीश हैं इस देश में। और मैं आपको गारंटीड तौर पर ये बात कहता हूँ कि अगर कोई उनका रिकॉर्ड तोड़ सकता है तो यही तोड़ेंगे, किस चीज़ में उसको भी समझाता हूँ। तो सर DY चंद्रचूड़ के पिता YV चंद्रचूड़ इस देश के मुख्य न्यायाधीश थे, और उनके सामने एक केस आया, ठीक है, वो केस जो है 1978 से संबंधित है, 1978 से संबंधित, 1978 के आसपास ही वो केस दर्ज हुआ था। केस किससे संबंधित था, केस करने वाले व्यक्ति का नाम था, मतलब जिसका जो केस करता है उसका नाम पहले लिखा होता है, जिसके ऊपर किया गया होता है उनका नाम बाद में होता है। तो शाह बानो ने अपने पति के ऊपर केस किया था, पति का नाम था
मोहम्मद अहमद खान, ठीक है ना, शाहबानो वर्सेस मोहम्मद अहमद खान। तो उनके पति का नाम था मोहम्मद अहमद खान। मोहम्मद अहमद खान एक बड़े एमिनियंट वकील थे, ज़बरदस्त वकील थे, खुद ही एडवोकेट थे भाई, खुद ही अधिवक्ता थे। केस किस चीज़ का था सर? केस था मेंटेनेंस का, जो महीने का पैसा देना होता है ना जीवन गुजर करने के लिए, उस मेंटेनेंस का केस था। शाहबानो पहली पत्नी थी, मोहम्मद अहमद खान ने दूसरी शादी भी की। दूसरी शादी करने के बाद भाई पहली पत्नी जो थी उन्हें वो खर्चा देते थे। अब एक दिन मोहम्मद अहमद खान को ऐसा लगा कि यार खर्चा देने की अब तो कोई ज़रूरत नहीं है, बंद कर दिया उन्होंने खर्चा देना। अब जब खर्चा देना बंद कर दिया तो उन्होंने अदालत का दरवाज़ा खटखटाया, शाहबानो ने। पहले ये कोर्ट केस मेरे ख्याल से मध्य प्रदेश में ही दर्ज हुआ था, मध्य प्रदेश से ही बिलोंग करते थे ये दोनों, मध्य प्रदेश में दर्ज हुआ। मध्य प्रदेश में जब ये केस दर्ज हुआ तो आप समझ सकते हैं वो खुद ही एडवोकेट थे, खुद गए होंगे लड़ने के लिए। तो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने शायद इसमें डिसीज़न दिया था कि हाँ भाई ये गलत है, गलती किसकी है? मोहम्मद अहमद खान की गलती है। आगे बढ़ा, जब मोहम्मद अहमद खान को ऐसा लगा कि भाई मेरे तो उल्टा पड़ गया, ये चीज़ें जो है मेरे उल्टी पड़ रही है एक तरीके से, तो मोहम्मद अहमद खान ने फिर ट्रिपल तलाक दिया। और जो लॉ आपको पता है शरीयत लॉ, जो अगर आप देखेंगे 1937 के आसपास से, तो जो शरीयत लॉ शरीयत कानून चला आ रहा है वो ये कहता था कि भाई अगर ट्रिपल तलाक, तीन बार तलाक 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 बोल दिया तो चीज़ें ख़त्म, उसके बाद मेहर की रकम जो है वो ही देनी होती है केवल। तो भाई मेहर की रकम भी चुका दी, मतलब मेहर की रकम भी चुका दी, सब कुछ खत्म हो गया एक तरीके से अगर देखेंगे। ट्रिपल तलाक देने का मतलब ये होता। अब सर केस और पेचीदा हो गया कि पहले मेंटेनेंस पे था, ट्रिपल तलाक भी हो गया, दो दो काम एक साथ हो गए। मामला गया सुप्रीम कोर्ट में। मैं बहुत जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, ऐसे अच्छा खासा लंबा चौड़ा मामला है सर, मेरे ख्याल से 1984 के आसपास का साल था, 1985 के आसपास की बात है ये। राजीव गांधी इस देश के उस समय प्रधानमंत्री थे, इंदिरा गांधी की मृत्यु हो चुकी थी। तो जो वाई वी चंद्रचूड़ थे वो चीफ जस्टिस थे। चीफ जस्टिस ने फैसला दिया, किसके अगेंस्ट दिया फैसला? दिया सर मोहम्मद अहमद खान के ही अगेंस्ट, कि भाई ये तो गलत है सरासर, कि मुस्लिम महिला है तो क्या हो गया, उसके भी तो अधिकार है, और महिलाएं तो सारी, मतलब सिमिलैरिटी देखी उन्होंने, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो चाहे पारसी हो, महिलाओं के तो सबके अधिकार समान हैं। इसके चलते ये फैसला जो है अगेंस्ट दिया गया मोहम्मद अहमद खान के। राजीव गांधी सरकार ने भी पहले अपनी पीठ थपथपाई अच्छे से कि भाई हमने, हमारे समय पे अच्छा फैसला दिया गया। इस फैसले की प्रशंसा भी हुई पार्लियामेंट के अंदर। पार्लियामेंट के अंदर एक मंत्री थे जो उस समय राज्य मंत्री थे, उनका नाम है आरिफ मोहम्मद, मेरे ख्याल से नाम मिल जाएगा। इस समय केरल के राज्यपाल हैं, केरल के गवर्नर हैं। ये बहुत न्यूज़ में रहा है मुद्दा सर, करंट अफेयर वाली पॉलिटी है एक तरीके से जो आप सुन रहे हैं। तो आरिफ मोहम्मद ने भी अच्छे से भाई सरकार की प्रशंसा की। समय बीता, एक व्यक्ति थे मेरे ख्याल से जिनका नाम था एम जे अकबर, इनका नाम बहुत सुना होगा आपने, नहीं सुना तो सर्च करना मिल जाएंगे, एम जे अकबर कहा जाता है। एकदम खासम खास थे वो, किसके? राजीव गांधी के। तो राजीव गांधी को जो सलाह मशवरा देने का काम था उनके द्वारा ही किया जाता था, एम जे अकबर के द्वारा। एम जे अकबर ने सलाह दी कि भाई ये जो फैसला आया है ना, इस फैसले से जो मुस्लिम वोट्स हैं वो कट सकते हैं। मतलब देखिए मैं व्यक्तिगत तौर पे कोई टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, सबसे पहले तो ये सुनिश्चित कर दूँ, जो मैंने पढ़ा है किताबों के माध्यम से, अलग अलग सोर्सेज के माध्यम से, न्यूज़पेपर्स के माध्यम से, मैं वही आप तक कन्वे कर रहा हूँ, उसके अलावा अपनी तरफ से कोई मिर्च मसाला ऐड नहीं कर रहा हूँ, ठीक। तो इस फैसले को पलट दिया गया, सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को पलट कर स्थापना की गई नैलसा, सेलसा और डेलसा की। अब ये नैलसा, सेलसा और डेलसा क्या होता है ये अलग मुद्दा है, इसको आप अलग से पढ़ सकते हैं, मगर हाँ कॉपी में ज़रूर लिख के रखना कि मौजूदा नैलसा के अध्यक्ष कौन है, ठीक है। नैलसा, सेलसा और डेलसा की स्थापना की गई, नैलसा, सेलसा और डेलसा, इन तीन चीज़ों की स्थापना की गई। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट दिया राजीव गांधी सरकार ने। इस बात से बहुत नाराज़ हुए आरिफ मोहम्मद। आरिफ मोहम्मद ने राज्य मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया और त्याग दी उस समय की वो पार्टी। इस समय वो दूसरी पार्टी में है और आप लोग जानते हैं वो केरल के राज्यपाल के रूप में काम कर रहे हैं। जब वो ट्रिपल तलाक इन सब चीज़ों को लेकर अभी मुद्दा रहा, फैसला सुनाया गया, जो भी सुनाया गया, उस समय आरिफ मोहम्मद ने इंटरव्यू दिया है एक न्यूज़ चैनल को, ठीक। तो इसीलिए ये सब सर, ये सभी चीज़ों पर तो हमें सुप्रीम कोर्ट समझ आएगा और सुप्रीम कोर्ट आपके समय दिमाग में लंबे समय तक रहेगा कि अच्छा ये था सुप्रीम कोर्ट, ऐसे फैसला दिया जाता है। अभी आपसे देखना इतने बारीक बारीक सवाल पूछूंगा और आप गलत देंगे उसके जवाब, ठीक। यहाँ तक का काम समझ आ गया सर, एक और पॉइंट यहीं पर बनाकर लिख देते हैं, एच जे कानिया भारत के
पहले ऐसे मुख्य न्यायाधीश थे जिनका निधन कार्यकाल में हो गया था, कार्यकाल में हो गया था, तो इनका निधन जो है वो कार्यकाल में हो गया था। पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आज तक पूछा नहीं गया क्वेश्चन। आप बोलोगे आज तक नहीं पूछा तो हमारी किस्मत खराब है, हमारे समय पे पूछेगा, उड़ा देगा भाई, पूछेगा, डेफिनेटली पूछेगा। ठीक, अच्छे क्वेश्चंस या अच्छे कंटेंट की तो हमें भूख है, यही तो चाहते हैं। दूसरे कौन थे ऐसे, दूसरे काउंटिंग में नहीं, ऐसे दूसरे कौन थे जिनकी डेथ हो गई थी, तो सेकंड जिनकी कार्यकाल में मृत्यु हुई उनका नाम था सभ्यसाची मुखर्जी। तो दूसरे कौन मिल जाएंगे, दूसरे आपको मिल जाएंगे सर सभ्यसाची मुखर्जी। यहाँ तक के पॉइंट क्लियर हो गए, मैं उम्मीद करता हूँ कोई डाउट नहीं होगा। और पॉइंट लिखिए सर, एक पॉइंट आप ढूंढेंगे, मतलब आपका होमवर्क होगा। सबसे अधिक समय तक कौन मुख्य न्यायाधीश के पद पे रहा, कौन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहा मुख्य न्यायाधीश रहा, तो इनका नाम आपको मिल जाएगा वाई वी चंद्रचूड़। यहाँ पर आपको इनका नाम मिल जाएगा। कितने साल तक रहे सर, 7 साल तक रहे, 7 ईयर्स तक। यहीं पे लिख देता हूँ ये पॉइंट भी, कितने साल तक रहे, 7 ईयर्स। थोड़ा सा हल्का सा अलग पेज पे लिखता हूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए ना कंटेंट बिल्कुल भी कटे। वाई वी चंद्रचूड़ कितने साल तक रहे, 7 साल तक। कितने साल तक मुख्य न्यायाधीश रहे सर, 7 साल तक मुख्य न्यायाधीश रहे। अब हाँ हाँ वही जो तुम मतलब एकदम चौक के गई बैठ गए हो कि यार 6 और 65 था, ये तो खेल गए गुरुजी आज इस क्लास में। सर खेला तो तुम्हारे साथ खेला जाएगा परीक्षा में, और ऐसा खेला खेल जाएगा तुम्हारे साथ परीक्षा में कि तुम सारे गाने भूल जाओगे। गाने कई सारे तुमने सुने हैं भाई, बिहार के गाने एकदम लल्लन टॉप होते हैं। ठीक, तो सर कार्यकाल आर्टिकल्स बिना पढ़ाए अगर आपने चीज़ों को याद कर लिया तो तब बनी ना बात सर। ठीक, तो देखिए सर सिंपल सी एक चीज़ है, याद रखिएगा कि जो मुख्य न्यायाधीश होता है, जो चीफ जस्टिस की अगर हम बात करें, जजेस की अगर हम बात करें, सुप्रीम कोर्ट की यहाँ पर अगर हम बात करें, तो इनकी सेवानिवृत्त आयु होती है केवल, रिटायरमेंट एज। जैसे तुम्हारी रिटायरमेंट एज होगी भाई जब तुम यहाँ लगा लोगे कंधे पे स्टार लगा लोगे तो तुमसे क्या बोला जाएगा, 6 साल या 65 वर्ष की आयु, ऐसे बोलेंगे क्या? नहीं ना, क्या बोलेंगे, 60 साल, जब तक है जान अपनी, पड़ोसी की नहीं। तो वैसे ही जो मुख्य न्यायाधीश थे या जज थे सुप्रीम कोर्ट के, उनका कार्यकाल भी ऐसे ही रहता था, सेवानिवृत्त आयु होती थी, केवल रिटायरमेंट एज। अच्छे से लिखना सर ये पॉइंट, ये बेसिक है, बिहार SSC इंटरमीडिएट में ऐसे ही सवाल दिखेंगे आपको। ठीक, तो सेवानिवृत्त आयु रिटायरमेंट एज कितनी मिल जाएगी सर, सेवानिवृत्त आयु मिल जाएगी 65 वर्ष, 65 ईयर्स की एज, 65 वर्ष की आयु। ठीक है, तो 65 वर्ष की आयु तक आप काम कर सकते हैं, 65 ईयर्स की एज तक आप काम कर सकते हैं। ये हो गया सर अगला पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट हमने ये समझ लिया। सर सबसे लंबे समय तक कौन रहा, सबसे अधिक समय तक कौन रहा, मैंने पढ़ा दिया, सबसे कम समय तक कौन रहा ये आप पढ़ेंगे। ठीक है, क्वेश्चन लिख कर रखिए अपनी कॉपी में। भारत का सबसे कम समय तक मुख्य न्यायाधीश कौन रहा, ये पॉइंट आप लिखिए। ठीक है, बेसिक है मगर इम्पॉर्टेंट है सर, कुछ चीज़ें तो आपको मान लीजिए कि याद रखनी ही रखनी है, इस तरीके से सवाल जो है वो आ जाते हैं। ठीक है, क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं सर, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं। यहाँ तक के पॉइंट में तो किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं होगा, एक चीज़ और समझा देता हूँ सर। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट देख रहे हैं, 1+7 देख लिया, 1+33 सिस्टम देख लिया, दोनों प्रकार के सिस्टम देख लिए कि उस समय 1+7 थे, आज कितने हैं, आज हैं 1+33
33, 1+33 आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। अब एक चीज़ सर ध्यान रखिए, जैसे आपने सुना होगा लोकसभा की मीटिंग हो रही है, तो लोकसभा की मीटिंग कराने के लिए कम से कम कितने लोगों की आवश्यकता होती है, मिनिमम कितने मेंबर्स दिख जाएंगे लोकसभा की एक मीटिंग करने के लिए, कम से कम कितने लोगों की आवश्यकता है? आप बोलोगे 1/10, 1/10 मेंबर्स ही होते हैं ना, सेम राज्यसभा के लिए, सेम विधानसभा के लिए 1/10 मेंबर्स की नीड होती है, ठीक है, क्लियर। वो 1/10 जो विधानसभा बोल रहे हैं ना, उसमें स्लैश डाल के 20 मेंबर्स भी नहीं पता तो भाई नोट डाल लो उसके लिए भी, एक कंफ्यूज नहीं होना है। लोकसभा की मीटिंग के लिए मिनिमम कितने सदस्यों की आवश्यकता होती है? 1/10 मेंबर की। राज्यसभा के लिए कितनी आवश्यकता होती है? 1/10 मेंबर की। मगर अगर आप विधानसभा के प्रोस्पेक्टिव से देखोगे ना, तो या तो 1/10, जैसे अगर हम बात करें सर राजस्थान में 200 सीटें, तो 1/10 मतलब 20 मेंबर्स होने चाहिए कम से कम मीटिंग कराने के लिए। मगर अब गोवा में तो है ही 40 मेंबर, तो उसमें अगर 1/10 कर दोगे तो 4 मेंबर में कौन सी मीटिंग होगी? तो विधानसभाओं के लिए ये लिखा हुआ है कि 1/10 या फिर 20 मेंबर, कम से कम 20 ऐसे लिखा हुआ है, ठीक। तो चलिए वहाँ से मूव करके सुप्रीम कोर्ट आते हैं। अब मैंने बोला सुप्रीम कोर्ट में अगर आप देखेंगे तो सुप्रीम कोर्ट में जजेस की संख्या 33+1, एक चीफ जस्टिस, 34 टोटल हो गए, ठीक है। अब क्या सुप्रीम कोर्ट में किसी मीटिंग को करवाने के लिए कोई कोरम है? मिनिमम जजेस की संख्या, मतलब कोरम शब्द को समझिए, मीटिंग में समझिए, कोरम समझिए, कोरम पे फोकस कीजिए। तो सुप्रीम कोर्ट में यदि अगर सुप्रीम कोर्ट को चलाना है, कार्यवाही करनी है सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट की कार्यवाही में क्या कोई कोरम है कि भाई 1+33 है, 34 हो गए, तो क्या 10 जज होना ज़रूरी है, 12 जज होना ज़रूरी है, 15 जज होना ज़रूरी है, कितने होना ज़रूरी हैं, या फिर कोई कोरम है भी या नहीं है? तो ये पॉइंट नोट डाल के लिखना, मुझे लिखने की आवश्यकता नहीं है, थोड़ा ऑफ द चीज़ें हैं ये, मगर ज़रूरी है समझना। तो सुप्रीम कोर्ट का कोई कोरम नहीं है भाई, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में मीटिंग करने के लिए कोई कोरम नहीं है, सुप्रीम कोर्ट को चलाने के लिए किसी प्रकार के कोई कोरम की आवश्यकता नहीं है। वो बेंचेस अलग होती हैं, जो बेंच बैठती है ना, वो बेंचेस अलग होती हैं कि भाई 5 जजेस की बेंच, 9 जजेस की बेंच, वो बेंचेस अलग होती हैं। बेंचेस में उम्मीद करता हूँ आप समझते भी हैं, ठीक, केशवानंदा भारती केस वैसे वाली बेंचेस की बात कर रहा हूँ, बेंचेस अलग होती हैं, ठीक है जी। अब हमारे दिमाग में एक चीज़ और ठन जानी चाहिए कि सर वन तो आपने समझ लिया, चीफ जस्टिस के बारे में तो आपने समझा दिया, जो साथ में 33 नज़र आ रहे हैं उनके बारे में भी थोड़ा सा समझा दीजिए, ठीक है सर। 1+7 उस समय था, 1+33 इस समय है, चीफ जस्टिस कैसे बनते हैं अगले चीफ जस्टिस? तो सर अधिकतम सीनियर मोस्ट जजेस जो होते हैं उन्हें ही बनाया जाता है, अधिकतम सीनियर मोस्ट जज। जैसे मान लीजिए अभी DY चंद्रचूड़ है, तो जब DY चंद्रचूड़ रिटायर होते हैं तो उस समय वो सीनियर मोस्ट जज का नाम भेज देते हैं और राष्ट्रपति अपॉइंट कर देता है, ठीक है, शपथ दिलवा देता है, इस तरीके से। ये तो हो गया काम। अब सर जो बाकी 33 जज आपको नज़र आ रहे हैं उनकी क्या प्रोसेस है, उनका क्या तरीका है, अब समझते हैं उसके बारे में, ठीक है। हाउ टू बिकम जज इन सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश बनने के लिए क्या योग्यता की ज़रूरत है, ठीक है। जज क्वालिफिकेशन या जज बनने की योग्यता, योग्यता जज बनने की क्वालिफिकेशन। सर योग्यता मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि उनको लॉ करी हुई होनी चाहिए, अर्थ समझिएगा सर, वो तो सिंपल सी बात है, जज लिख रहा हूँ सर तो लॉ कर रखी है उन्होंने, अच्छा खासा लॉ करके बैठे हैं वो। तो जज बनने के लिए क्या योग्यता है सुप्रीम कोर्ट में, उच्चतम न्यायालय में, अब इसको समझ लीजिए थोड़ा सा। सुप्रीम कोर्ट उच्चतम न्यायालय में जज बनने की क्या योग्यता है, क्या क्वालिफिकेशन है? तो सबसे पहली योग्यता तो सर वही आपको मिल जाती है, भारत का नागरिक होना चाहिए, भारत का नागरिक, सिटीजन ऑफ इंडिया, सिटीजन ऑफ इंडिया। सर एज का बता नहीं रखा है कि क्या एज होनी चाहिए, हाँ रिटायरमेंट एज बता रखी है 65 साल सर, ठीक, 65 ईयर्स सुप्रीम कोर्ट की, 65 साल। हाई कोर्ट की आपको कितनी मिल जाएगी, वहां पर आपको मिल जाएगी सर कितनी, 62 ईयर्स, ठीक है। पहले कितनी थी, पहले आपको 60 मिल जाती थी, और बाद में कितनी मिलती है, बाद में आपको मिलती है सर 62, 15वें संवैधानिक संशोधन के माध्यम से, 15th अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के माध्यम से वो आपको देखने के लिए मिल जाएगी, ठीक, 15वें संवैधानिक संशोधन से, 15th अमेंडमेंट से वो जो चीज़ है वो आपको देखने के लिए मिल जाएगी, क्लियर।
उम्मीद करता हूँ यहाँ तक किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं होगा। ये चीज़ें मैं आपको इस पे फाइल में लिखी हुई भी दे दूँगा, ठीक। ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर आपको लिखी हुई भी मिल जाएंगी, इस प्रकार से किसी की दिक्कत भी आपको नहीं होगी, ठीक। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर लिखी हुई भी मिल जाएंगी कॉपी के अंदर। सेकेंड पॉइंट देखिए, एक तो भारत के नागरिक हो गए, सिटीजन ऑफ इंडिया हो गए। सेकेंड अगर आप देखेंगे तो 10 साल तक अधिवक्ता रहे हूँ, एडवोकेट रहे हूँ, 10 साल तक एडवोकेट रहे हूँ, कहाँ पर, हाई कोर्ट। तीसरा पॉइंट अगर आप देखेंगे तो 5 साल तक जज रहे हूँ सर, 5 साल तक जज रहे हूँ, कहाँ पर, वो भी हाई कोर्ट में। ये हो गया सर तीसरा पॉइंट। और चौथा आपको लगेगा कि सर राष्ट्रपति की नज़र में अगर वो कानून के अच्छे जानकार हैं तो, ठीक है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत भी यहाँ पर आप लिख सकते हो, राष्ट्रपति के अनुसार। इतना ही लिख दिया है मैंने सर, राष्ट्रपति के अनुसार। आप थोड़ा सा कंप्लीट कर लीजिएगा कि यदि राष्ट्रपति को लगता है कि वो व्यक्ति कानून का अच्छा जानकार है तो ये पॉइंट भी हो जाएगा। सर सही लिखा है गलत लिखा है? आप बोलोगे यार लिखा आपने चेतन सर, और हमसे पूछ रहे हो सही लिखा है गलत लिखा है। सर RAS प्री में आया था ये सवाल, ठीक है, RAS मेंस में आया था, मेरे ख्याल से RAS मेंस में आया था ये क्वेश्चन रिटर्न वाले एग्जाम में कि जज बनने की योग्यता क्या है, सुप्रीम कोर्ट का जज बनने की योग्यता क्या है। सर ऐसे ही लिख के आए थे बच्चे, नंबर कटे थे। तो आपको नंबर नहीं कटवाने तो क्या कीजिए, आपको नंबर नहीं कटवाने हैं तो यहाँ से इसको मिटाकर यहाँ 3 कर दीजिए, और ये जो 2 है ना यहाँ पे लिख दीजिए और। क्या और? या तो ये होना चाहिए या ये होना चाहिए, दोनों योग्यताओं की नीड नहीं है। ये है सही पैटर्न, अब जो आपने देखा, या तो ये हो या ये हो, दोनों नहीं। ऐसा नहीं है कि ये भी हो ये भी हो, ऐसा नहीं है। ऐसा होता तो एंड लगाता मैं, मगर यहाँ पे और लगाया मैंने, ठीक। तो ये आपको मिल जाएगी योग्यता क्वालिफिकेशन। यहाँ तक की चीज़ें क्लियर, समझ आ गया। अब आगे चलते हैं। अब मैं ही एक डाउट आपके दिमाग में पैदा करता हूँ। ने बोला यार ऐसे ना जितने यहाँ पे दिख रहे हैं आपको, ऐसे भारत में कुल मिला के 150 जज हैं, मतलब ऐसे 150 लोग हैं भारत में कुल मिला के। और बेहतर तरीके से बताता हूँ, मैंने बोला जज बनने की जो योग्यता क्वालिफिकेशन मैंने लिखी है ना सुप्रीम कोर्ट के अंदर, ऐसी योग्यता वाले कुल मिला के 150 लोग हैं। बनाने कितने हैं? 33। उस समय तो 7 थे सर, क्या किया जाए उसको समझिए, ठीक। सर जल्दी समझाऊंगा कोलिजियम, क्योंकि कोलिजियम ना खुद में ही लगभग लगभग 1 से 1.5 घंटे का टॉपिक मैं मानता हूँ 3 जजेस केस के बारे में, और वो फिर लंबी निकल जाती है थोड़ी सी कहानी। देखते हैं, चलो सर जितना चलेगा उतना पढ़ाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब मैंने बोला योग्यता के आधार पे आप सिलेक्ट कैसे करोगे? तो देखिए सर, साल 1950 से लेकर 1950 से लेकर 1993 तक, 1993 तक जो जज की नियुक्ति है ना वो की जाती थी किस आधार पे? कर्ता राष्ट्रपति ही है सर, वो सिंपल सी बात है, कर्ता राष्ट्रपति है, उसमें कहीं कुछ बदलाव नहीं करना। वो सब आपको PDF में लिखा हुआ मिल जाएगा, मैं समझा भी रहा हूँ। मगर वो नाम कौन रेफर करता था? मैंने बोला 150 लोग हैं ऐसे, या 50 लोग थे उस समय, नाम कौन रेफर कर रहा है? सर नाम रेफर करने का अधिकार मंत्रिपरिषद के पास था, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर राष्ट्रपति दिए गए नाम पर सहमति दर्ज करके उस व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट का जज नियुक्त कर देता था। अब सर हमने आज तक क्या पढ़ा है? कार्यपालिका और न्यायपालिका को सेपरेट रखिए, यही तो पढ़ा है सर कि कार्यपालिका और न्यायपालिका को सेपरेट रखिए। आप क्या कर रहे हैं? आप क्या कर रहे हैं सर? आप तो मर्ज कर रहे हैं उठा के, आप क्या बोल रहे हैं? आप कह रहे हैं कि आप एक मिनिस्टर के पास जा रहे हैं, उस मिनिस्टर से जाके बोल रहे हैं सर प्लीज़ मेरा नाम दे देना सुप्रीम कोर्ट में जज बनने के लिए। तो इससे क्या पड़ेगा? इससे करप्शन बढ़ेगा सर देश में। अब ये प्रोसेस भारत ने लंबे समय तक फॉलो किया है सर, 1993 तक। बाकी अगर आप देखेंगे तो भारत में 1950 से लेकर 1989 तक कोई महिला भी सुप्रीम कोर्ट में जज नहीं बनी थी। जज बोल रहा हूँ, चीफ जस्टिस नहीं बोल रहा हूँ, चीफ जस्टिस आज तक कोई महिला नहीं बनी है। 2027 में बन सकती हैं वो अलग बात है, बनी आज तक कोई नहीं है। 50 चीफ जस्टिस बने हैं, आज तक कोई महिला चीफ जस्टिस नहीं बनी। पहली महिला जज जो बनी थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर, महिला जज सुप्रीम कोर्ट के अंदर, उनका नाम था फातिमा बीवी, 1989 में, ठीक। 1989 में, 1950 में से लेकर 1989 तक कोई नहीं बना था, 1989 में बनी थी, ठीक।
अब सर यही प्रोसेस चल रही थी। 1993 में मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस के पद पर बैठे हुए थे वेंकट चलैया साहब, ठीक है। 1993 में वेंकट चलैया साहब चीफ जस्टिस थे। एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड नाम की एक बॉडी मिल जाएगी सुप्रीम कोर्ट में आपको, ठीक। एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड्स, एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एक केस लेकर पहुंचा। मैं थ्री जजेस केस नहीं पढ़ा रहा हूं सर आपको, मैं फिर बोल रहा हूं, मैं थ्री जजेस केस नहीं पढ़ा रहा हूं, स्टेट पीसीएस की तैयारी नहीं करवा रहा हूं, मैं आपको एक 4200 ग्रेड पे की नौकरी के लिए केवल थोड़ी जानकारी देने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। फातिमा बीवी वाला पॉइंट आप समझ सकते हैं सर, बहुत बेसिक बच्चा सा पॉइंट है आज के लिए हमारी, आजकल हमारी अगर जो एजुकेशन का स्तर जो हो गया उस आधार पर। तो सर 1993 में केस दर्ज हुआ, जब केस दर्ज हुआ तो एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड ने बोला कि भाई ये क्या है, तो गलत चीज़ है, ये सही तरीका थोड़ी है कि आप तो फिर ये करप्शन को बढ़ा रहे हो। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने भी इस बात को कंसीडर किया और 1993 से आपको इस देश में मिल जाएगा कोलीजियम, ठीक है सर। कोलीजियम ऐसे लिखा जाएगा, कोलीजियम जजेस की नियुक्ति के लिए, आप आगे लिख सकते हैं फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज या फॉर द, हाँ अपॉइंटमेंट आप लिख सकते हो, नहीं अपॉइंटमेंट थोड़ा सा गलत चला जाएगा, रिलेटेड टू सुप्रीम कोर्ट के जज से संबंधित, जज से रिलेटेड, ठीक। थोड़ा सा आसान कर लेते हैं शब्दावली को। तो अगर आप उस समय देखोगे सर कोलीजियम में अगर आप देखेंगे तो कुल मिला के 5 सदस्य आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, टोटल 5 मेंबर्स वहां पर आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। कोलीजियम 1993 से, नाम मैंने बताया कि उस समय चीफ जस्टिस जो थे उनका नाम था वेंकट चलैया। कुल मिला के कोलीजियम में कितने सदस्य, तो सदस्यों की संख्या अगर यहाँ पर आप देखोगे कि सदस्यों की संख्या यहाँ पर आपको कितनी मिल जाएगी, तो मेंबर्स जो इसमें आपको दिख जाएंगे कोलीजियम में वो थे 5। कितने सदस्य थे? 5 सदस्य थे। अब ये 5 कौन कौन थे? इन 5 में आपको एक तो मिल जाएगा सर मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और 4 आपको मिल जाएंगे वरिष्ठ जज सुप्रीम कोर्ट के। तो 4 सीनियर मोस्ट जज, सीनियर मोस्ट का मतलब हो जाएगा वरिष्ठ जज मिल जाएंगे सुप्रीम कोर्ट के, ठीक है। अब वो जो 1950 से लेकर 1993 तक प्रोसेस चली आ रही थी कि मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर मंत्रिपरिषद एक नाम रिकमेंड करेगा, उस नाम को ही आगे जज बना दिया जाएगा, उसे समाप्त कर दिया गया 1993 में। 1993 में प्रोसेस शुरू हुई कोलीजियम। अब कोलीजियम में मान लीजिए कि 10 लोगों का नाम आया है, एक जज की सीट के लिए 10 लोगों का नाम आया है। अब उन 10 लोगों के नाम पर ये विचार विमर्श करेंगे, ये डिसाइड करेंगे और एक नाम पर सहमति दर्ज करेंगे। आप बोलोगे सर 5 लोग हैं, सहमति बनना कैसे बन जाएगी, हो सकता है किसी को कोई पसंद ना आए। तो सर सहमति का भी एक क्राइटेरिया बनाया गया। क्या क्राइटेरिया? कि इन 5 में से ना, ये जो 5 यहाँ पर आपको दिख रहे हैं, इसमें से 3 की मेजॉरिटी होनी चाहिए। कितनी मेजॉरिटी होनी चाहिए सर? 3 का बहुमत होना चाहिए, 3 की मेजॉरिटी होनी चाहिए, और इन 3 में एक मुख्य न्यायाधीश का होना ज़रूरी है। इस पॉइंट को आप ऐसे ही लिखना कि एक नाम पर सहमति कैसे बनेगी या किस आधार पर बनेगी। तो एक नाम पर सहमति बनेगी 3 के बहुमत के आधार पे। इन 5 में से 3 अगर ये मानते हैं कि हाँ ये नाम अच्छा है, इसे आप बना सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में जज, ठीक है, और उन 3 में एक मुख्य न्यायाधीश का होना ज़रूरी है। मतलब इसके बिना, मान लो इन 4ों ने बोल दिया वी आर रेडी, हमें तो पसंद है, पर्सनैलिटी अच्छी है जज की, पढ़ा लिखा भी लग रहा है, पढ़ा लिखा तो वैसे ही होगा, अच्छा है, टॉल है, हैंडसम है, बना देते हैं, हमारे साथ अच्छी बनेगी, मगर ये बोल रहा है मुझे ठीक नहीं लग रहा, तो सर उन 4ों की कोई वैधता नहीं है, उनकी कोई वैलिडिटी नहीं है। इनका होना ज़रूरी है, इनका आवश्यक है ज़रूरी होना। प्रोसेस बदल गई, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की जगह अब ये जो कोलीजियम सिस्टम है ये नाम रिकमेंड करने लगा, और ये नाम किसके पास भेजेगा? ये नाम भेजेंगे सर उठा के राष्ट्रपति के पास, प्रेसिडेंट के पास, और राष्ट्रपति क्या करेगा सर? राष्ट्रपति उसे नियुक्त कर देगा, अपॉइंट कर देगा। प्रोसेस जो है बदल गई, राष्ट्रपति क्या है? अपॉइंटमेंट कर देगा, राष्ट्रपति नियुक्ति कर देगा। सही चल रहा था सर सिस्टम, बढ़िया तरीके से चल रहा था, मगर ये सिस्टम मात्र 5 साल चला सर। बोलोगे 5 साल में सरकार बदल जाती है, सिस्टम बदल गया 5 साल में? हाँ सर सिस्टम बदल गया। 1998 में आके
राष्ट्रपति खुद को ठगा हुआ महसूस करने लगे। राष्ट्रपति को लगा, यार ठीक है बोल रहे हो रबड़ की स्टैंप वो अलग बात है, मगर सही में रबड़ की स्टैंप बना दिया आप लोगों ने तो मुझे। और अगर राष्ट्रपति कह रहा है भाई मुझे पसंद नहीं आ रहा नाम, तो फिर क्या करना है? तो 1998 के अंदर एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट में गया ये मामला कोलिजियम का, और सुप्रीम कोर्ट में राष्ट्रपति की तरफ से जो गए अधिकतम आप देखते हैं अटॉर्नी जनरल ही जाएंगे, महान्यायवादी, उन्होंने जाकर पूछा बिहाफ में कि भाई अगर राष्ट्रपति को नाम पसंद नहीं है तो फिर क्या करें। तो सुप्रीम कोर्ट ने संशोधित किया कोलिजियम प्रोसेस को, और कोलिजियम प्रोसेस को संशोधित करके उसमें बदलाव करके वहाँ पर ये और लिख दिया गया कि यदि राष्ट्रपति को नाम पसंद नहीं है तो राष्ट्रपति नाम रिटर्न कर सकता है, वापस भेज सकता है कि मुझे ये नाम पसंद नहीं है। उसके बाद अगर वो नाम राष्ट्रपति के पास वापस भेजना है तो पांचों के पांचों का बहुमत चाहिए, पांचों के पांचों की मेजॉरिटी चाहिए, और अगर पांचों की मेजॉरिटी के आधार पे वो नाम दोबारा राष्ट्रपति के पास भेजा गया तो राष्ट्रपति को नियुक्त करना ही पड़ेगा उस व्यक्ति को जज। बन गया कोलिजियम सिस्टम, सही तरीके से चल रहा था, बढ़िया चल रहा था। 1999 में फिर चुनाव हुए, सरकार बनी अटल बिहारी वाजपेयी की। सर देखो कहानी पॉलिटी अलग चल रही है, कहानी अलग चल रही है, उन कहानियों में से पॉइंट लिखा के नोट करने हैं। जैसे कोलिजियम सिस्टम, सीधा मान लो पेपर में सवाल आ जाए कि सुप्रीम कोर्ट की जज की नियुक्ति के लिए जो कोलिजियम सिस्टम है उसमें कुल मिला के सदस्यों की संख्या कितनी है, तो 5 सदस्यों की संख्या है। कब से शुरू हुआ? 1993 से, 1993 से। कोलिजियम सिस्टम का काम क्या है? नाम रिकमेंड करना, ठीक है? क्वेश्चंस बनते हैं इस तरीके से। अब साल 1999 में जब चुनाव हुए तो साल 2000 में अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे। अटल बिहारी वाजपेयी साहब को थोड़ा सा गहन अध्ययन करा उन्होंने, और उन्होंने एक कमेटी का निर्माण करवाया जिसे हम कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म्स कमेटी के नाम से जानते हैं, संविधान सुधार आयोग के नाम से जानते हैं। संविधान को पलट कर देखा जाएगा दोबारा से, ये है संविधान सुधार आयोग, कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म्स कमेटी। संविधान को पलट कर देखा जा रहा है, वेंकट चलैया, ये वही वेंकट चलैया जो 1993 में मुख्य न्यायाधीश थे, इस कमेटी के अध्यक्ष बनाए गए। पलट रहे हैं संविधान को, पलट के देख रहे हैं, कई सारे पॉइंट्स निकलेंगे यहाँ पे। यहीं पर वो मंत्री परिषद वाला निकलेगा जिसके आधार पे 91st अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन करवाया गया, जिसके आधार पे मंत्रिपरिषद की संख्या को 15% निर्धारित किया गया। और यहीं पर वेंकट चलैया साहब ने एक सिफारिश और करी। वेंकट चलैया साहब ने एक नाम दिया जिसे हम जानते हैं जैक के नाम से, ठीक है, जिसे हम जानते हैं जैक के नाम से। ये इतना डिटेल में आपके पेपर में नहीं आएगा, बट मुझे जैक से उठा के एन जैक तक जोड़ना है आपको। एन जैक की फुल फॉर्म पूछ सकता है, एन जैक का अमेंडमेंट पूछ सकता है, क्योंकि सीपीओ में ऑलरेडी पूछा गया है, और सीपीओ मतलब दिल्ली में एसआई बन रहे हो, पूरे के पूरे सेंट्रल गवर्नमेंट में एसआई बन रहे हो। और अगर बिहार एसआई को कंपेयर करेंगे तो सर बराबर पोस्ट की ही बात कर रहे हैं, और जब अगर वो जैक की फुल एन जैक की फुल फॉर्म पूछ सकता है तो आपको पता होना चाहिए। तो जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, न्यायाधीश नियुक्ति आयोग, फुल फॉर्म जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, जैक का निर्माण करवाया गया। कुछ समय बीता, सरकार गिर गई, मतलब 4.5 साल बाद अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार गिर गई। उसके बाद 10 साल तक मनमोहन सिंह जी भारत के प्रधानमंत्री रहे, कांग्रेस की सरकार रही। उसके बाद दोबारा सरकार आई भारतीय जनता पार्टी बीजेपी की साल 2014 में, और यकीन मानिए सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार बनी तो मोदी जी ने सबसे पहला क्या काम किया, मोदी जी ने जैक के आगे एन लगवा दिया, ठीक है, एन जैक को प्रेजेंट करवाया। इसे हम जानते हैं नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन के नाम से, राष्ट्रीय न्याय राष्ट्रीय जज नियुक्ति आयोग के नाम से नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। फुल फॉर्म पूछी गई है बहुत बार, 2019-20 उठाकर देख लीजिए, प्रीवियस ईयर 2016-17-18-19-20 बहुत बार प्रीवियस ईयर में अलग अलग परीक्षाओं में इसकी फुल फॉर्म पूछी गई है, मैं लिखवा दूंगा फुल फॉर्म। तो नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन बनाया गया, नाम में ही दिख रहा है जुडिशियल अपॉइंटमेंट, जजों की नियुक्ति। अब इसके लिए बिल प्रस्तुत किया गया सर, अमेंडमेंट हो रहा है इसके लिए पूरा का पूरा, और अमेंडमेंट हो रहा है कौन सा वाला, वो 2/3 बहुमत के आधार पे, जिसके लिए आपको स्टेट से भी पास करवाना है, सेंटर से भी पास करवाना है, ठीक, 368 के हिसाब से, आर्टिकल 368 के हिसाब से अमेंड कर रहे हैं उठा के संविधान को। बिल पेश करवाया गया सर, लोकसभा में रखा, राज्यसभा में रखा, पास हो गया, स्टेट में रखा, और स्टेट से पास कराने का ऐसा होता है कि भाई उस समय 30 राज्य थे तो आधा प्लस वन, मतलब 15+1 16 राज्यों से पास कराना था, पास हो गया। राष्ट्रपति ने भी साइन कर दिए, कौन राष्ट्रपति थे? प्रणब मुखर्जी।
राष्ट्रपति ने भी हस्ताक्षर कर दिए और काम कंप्लीट हो गया। ठीक है, मैं उस समय के चीफ जस्टिस का नाम तो शायद मिस करूंगा, याद नहीं होगा, मगर हाँ अब कंप्लीट हो गया, प्रोसेस कंप्लीट हो गई, एनजैक बन गया। अब थोड़ा सा एनजैक के बारे में बताता हूँ ताकि एटलीस्ट आपको अंदाज़ा हो कि ये क्या है। उसके बाद चलेंगे सुप्रीम कोर्ट के आर्टिकल्स के पास। ठीक है, एनजैक, इसकी फुल फॉर्म है सर नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, राष्ट्रीय जजिस नियुक्ति या राष्ट्रीय न्यायाधीश नियुक्ति आयोग, इस तरीके से आप हिंदी में बोल सकते हैं। अंतर क्या है सर, डिफरेंस क्या है, क्योंकि कोलिजियम समझ लिया, इतनी मुश्किल से कोलिजियम तुम्हें समझ आया होगा। कोलिजियम में 5 मेंबर थे, एनजैक में 6 मेंबर्स थे। इसमें कितने सदस्य थे, इसमें 6 मेंबर्स थे, इसमें 6 सदस्य थे। और इसके लिए कौन सा संवैधानिक संशोधन करवाया था भारत के संविधान में, 99वां। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है भाई, 99वां संवैधानिक संशोधन, 99th अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन साल 2015, 2015। ठीक, 6 मेंबर थे, इसमें 6 सदस्य थे। कौन कौन सदस्य, पीछे हमने देखा कि कोलिजियम में कितने थे, एक था सर मुख्य न्यायाधीश और 4 थे जज। पहले तो उन्हीं को कॉपी कर दो उठा के, एक मुख्य न्यायाधीश था, एक सीजीआई था और 4 सीनियर मोस्ट जज थे। सीनियर मोस्ट जज, SMJ लिख दिया, सीनियर मोस्ट जज, वरिष्ठतम जज मिल जाएंगे जो सुप्रीम कोर्ट के, वो वरिष्ठतम न्यायाधीश। ठीक, एज के हिसाब से बड़े नहीं होते, फैसलों के हिसाब से बड़े होते हैं, इस चीज़ को भी ध्यान रखना। एक मेंबर को ऐड किया गया सर, 5 तो सेम हो गए, एक मेंबर को ऐड किया गया, उस मेंबर को हम जानते हैं कानून मंत्री के नाम से। किसके नाम से, कानून मंत्री के नाम से। ठीक, ये था सर एनजैक। अब सर एनजैक 1-2 महीने सही तरीके से काम किया और शायद अप्रैल 2015 में एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड, सुप्रीम कोर्ट की बॉडी, एक बार दोबारा सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाती है, जिसने वही 1993 में दरवाज़ा खटखटाया था ना, एक बार वो दोबारा दरवाज़ा खटखटाती है और चीफ जस्टिस को बोलती है, देखो भाई तुम्हारे रहते हुए क्या हो रहा है। चीफ जस्टिस बोलते हैं ऐसा क्या हो गया, मुख्य न्यायाधीश बोल रहा है क्या हो गया जी, कह रहे आप उठाकर देखो क्या हो गया। तो मुख्य न्यायाधीश ने इस केस को दर्ज करने से, मतलब इस केस पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया और कहा कि प्री मैच्योर केस है, बच्चा बड़ा होन दो पहले, अभी तो चलना सीख रहा है। अब धीरे धीरे वक्त और बीता, 2015 की ही बात कर रहे हैं, बच्चा बड़ा हुआ सर और केस दर्ज हुआ, एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड वर्सेस भारत सरकार, केस दर्ज हुआ। केस की पैरवी करने भारत सरकार की तरफ से कौन जाएगा, महान्यायवादी। ठीक है, महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल पैरवी करने के लिए जाएंगे, क्योंकि भारत सरकार की और राष्ट्रपति की तो वही करेंगे ना पैरवी, या तो सॉलिसिटर जनरल करेगा, मगर उस समय पैरवी करने अटॉर्नी जनरल ही गए, महान्यायवादी ही गए। अब महान्यायवादी से चीफ जस्टिस पूछते, उससे पहले एक समस्या और खड़ी हो गई कि चीफ जस्टिस ने इस केस की सुनवाई करने से इनकार कर दिया। आप बोलोगे अभी तो दर्ज हो गया था, सर दर्ज हो गया, चीफ जस्टिस ने खुद कहा कि ठीक है भाई करेंगे, मगर मुख्य न्यायाधीश ने इस केस की फैसले, इस केस की सुनवाई करने में बैठने से इनकार कर दिया कि भाई मैं नहीं बैठ पाऊंगा। रीज़न ये था कि मुख्य न्यायाधीश ने बोला भाई उठाकर देखो एक बार, पीछे सबसे पहले मेरा ही नाम लिखा हुआ है, कोलिजियम का वो एनजैक का सबसे पहला मेंबर तो मैं खुद हूँ, और अगर मैं उसका खुद मेंबर हूँ तो मैं कैसे इसमें सही फैसला दे पाऊँगा, मैं दे ही नहीं पाऊँगा इसमें सही फैसला। सही बात है भाई, ये तो सच्चाई है, वो कैसे दे सकते हैं जब मामलात ही उनसे संबंधित है। उसके बाद एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड दूसरे सीनियर मोस्ट जज के पास पहुंचे, जो उनके बाद सीनियर मोस्ट था, उसने भी सुनवाई करने से इनकार कर दिया। ऐसे 4 जजेस ने इनकार कर दिया जो नीचे सीनियर मोस्ट थे, उन्होंने बोला हम भी तो मेंबर उसी में हैं तो हम कैसे बैठ जाएं सुनवाई में। उसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट में उस समय 5वें सीनियर मोस्ट जज थे, जो आगे जाकर ये भारत के पहले सिख सरदार मुख्य न्यायाधीश बने, जिन्हें हम जानते हैं जगदीश सिंह खेरा के नाम से, 43rd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, 43वें मुख्य न्यायाधीश, उन्होंने इस मामलात की सुनवाई करी। अटॉर्नी जनरल ने समझाया, अटॉर्नी जनरल ने बोला सर तो ज़बरदस्ती दर्ज हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है। अटॉर्नी जनरल ने बोला कि सर वही तो है, एक ये रहा मुख्य न्यायाधीश, 4 सीनियर मोस्ट जज हैं, एक कानून मंत्री है। बढ़िया तरीके से समझाया, पूरी बात समझी, पूरी बात सुनी सर जगदीश सिंह खेरा साहब ने, पूरी बात सुनी। उसके बाद अटॉर्नी जनरल से एक सवाल पूछा कि भाई अब मेरी सुनो, तुमने समझा दी, अब मैं समझाता हूँ तुम्हें। उन्होंने कहा कंपेयर कर भाई, मतलब ऐसे ही बोला होगा, मैं तो अपनी लैंग्वेज में बोल रहा हूँ कि कंपेयर करके देख भाई एक बार कोलिजियम को, किसे कंपेयर करके देख, एक बार कोलिजियम को कंपेयर करके देख इसके साथ।
यहाँ पे कितने मेंबर थे? एक, चार। ये सीजीआई था, मुख्य न्यायाधीश था, और ये सीनियर मोस्ट जज थे। उन्होंने बोला कि ठीक है भाई, ये कॉमन है, ये कॉमन है, ये कॉमन है, ये कॉमन है। नाम भेजने के लिए यहाँ पर तीन की मेजॉरिटी की जरूरत थी, तीन के बहुमत की जरूरत थी, और एक मुख्य न्यायाधीश होना जरूरी था। यहाँ पर मेजॉरिटी के लिए चार मेंबर की जरूरत थी, मतलब चार की जरूरत थी मेजॉरिटी के लिए, और इन चार के अंदर एक मुख्य न्यायाधीश का होना जो है वो जरूरी था, कंपल्शन थी। उन्होंने बोला ठीक है, जगदीश सिंह सराफ ने बोला इतना समझ आ गया, ठीक है। उसके बाद नाम अगर पसंद ना आए तो वापस भेजने की परमिशन भी है राष्ट्रपति के पास, प्रेसिडेंट उस नाम को रिटर्न कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। अगर यहाँ नाम रिटर्न करेगा तो वहाँ पाँच की मेजॉरिटी चाहिए। यहाँ पूछा अटॉर्नी जनरल महान्यायवादी से, ठीक है, कि अगर यहाँ राष्ट्रपति ने नाम रिटर्न कर दिया तो क्या है मंजूरी? तो अटॉर्नी जनरल कहता है कि छः की मंजूरी की ज़रूरत है, छः की मेजॉरिटी की ज़रूरत है। और बस इतनी ही बात को सुनते हुए जगदीश सिंह सेहरा साहब कहते हैं बस इतना ही, रुक जा। और उसको कहते हैं, मतलब अटॉर्नी जनरल को कहते हैं कि भाई एक बार बता, राष्ट्रपति किसका आदमी है, मतलब आदमी मतलब राष्ट्रपति किसके साथ काम कर रहा है? भारत सरकार के साथ। कानून मंत्री किसके लिए काम कर रहा है? भारत सरकार के लिए ही काम कर रहा है। और एक बात बता कि जब भारत सरकार के ही व्यक्ति ने उस नाम को रिटर्न कर दिया है तो क्या तुझे लगता है कि कानून मंत्री, मतलब इस तरीके से हम तो अपनी भाषा में बात कर रहे हैं कि भाई क्या तुम्हें लगता है कि कानून मंत्री उस पर कभी सहमति दिखाएगा? इसलिए कोई भी अगर ऐसा नाम आता है जो इन्हें पसंद नहीं है, वो इन्हें भी पसंद नहीं होगा, और वो व्यक्ति कभी भी जज नहीं बन पाएगा सुप्रीम कोर्ट में। और इतना बोलकर जगदीश सिंह खेरा साहब ने, आप समझ सकते हैं कि पूरे के पूरे 99वें संवैधानिक संशोधन को क्वैश कर दिया, मतलब कैंसिल कर दिया, सस्पेंड कर दिया, और पूरा का पूरा 99वां संवैधानिक संशोधन भारत के संविधान से डिलीट किया गया। ये अब तक सुप्रीम कोर्ट में लिए गए सबसे बड़े फैसलों में से एक है। मगर कई बार केशवानंदी भारती केस और भी कई सारे केसेस हैं, उन केसेस को समझते हुए हम इस केस को नहीं समझते, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। तो जजेस की नियुक्ति का तरीका क्या है? आज भी जजेस की नियुक्ति का तरीका आपको कोलिजियम ही मिल जाएगा, क्लियर, बहुत इंपॉर्टेंट है सर ये पॉइंट। चलिए अब फटाफट से थोड़े से आर्टिकल्स को डील कर लेते हैं जल्दी से। आर्टिकल भी ना मैं आपको जैसे 124 में सुप्रीम कोर्ट लिखा हुआ है, 126 में लिखा हुआ है एक्टिंग चीफ जस्टिस के बारे में, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के बारे में, वो कि अगर गैर मौजूदगी में अगर परमानेंट नहीं बन रहा है तो कार्यवाहक, ठीक है, ये बहुत बेसिक है, ये बहुत सिंपल है, थोड़े से मुश्किल समझाता हूँ आपको। जैसे आर्टिकल 127 अनुच्छेद 127 क्या बताता है सर? एड हॉक जज के बारे में। क्या बताता है सर? एड हॉक जज के बारे में। और इसको ना वो बचपन में हम जाइलम फाइलम पढ़ते थे ना, वो ऐसे पढ़ लो, इधर 128 लिख लो, इधर 128 लिख लो और कंपेयर कर लो, और यहाँ लिख लो एडिशनल जज, यहाँ लिख लो एडिशनल जज, ठीक है, वहाँ एडहॉक जज हो गया, यहाँ एडिशनल जज हो गया, हिंदी में इंग्लिश में दोनों में ऐसे ही लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, एडहॉक जज और एडिशनल जज। एडहॉक जज का मतलब क्या है सर? एडहॉक जज का जो मतलब है, एडहॉक जज का जो मीनिंग आपको देखने के लिए मिल जाएगा वो कुछ इस प्रकार से मिल जाएगा कि मान लो कि बहुत सारे केसेस ना एकदम से आ गए हैं, मतलब कई सारे केसेस जो हैं वो एकदम से आ गए हैं और बड़ा ज़्यादा बर्डन पड़ गया है सुप्रीम कोर्ट पे। सुप्रीम कोर्ट उस परिस्थिति में क्या कर रहा है? सुप्रीम कोर्ट उस परिस्थिति में हाई कोर्ट्स की तरफ देख रहा है, और हाई कोर्ट में जिसके पास भी योग्यता है, योग्यता आपने पीछे पढ़ी है कि या तो वो 5 साल तक जज रहा है हाई कोर्ट में, या तो 10 साल तक एडवोकेट रहा है जज वहाँ पे हाई कोर्ट में, उस व्यक्ति को उठाकर क्या बना रहे हैं? उस व्यक्ति को एड हॉक जज बना रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में। और एड हॉक का मतलब ये टेम्पररी नौकरी, परमानेंट नहीं, टेम्पररी बेसिस पे, अस्थाई बेसिस पे। ये है आर्टिकल 127 एड हॉक जज के बारे में, ठीक है, योग्यता सेम है, सब कुछ सेम है, मगर अगर सुप्रीम कोर्ट के पास एकदम से ज़्यादा बर्डन आ गया है, ज़्यादा काम आ गया, तो उस परिस्थिति में सुप्रीम कोर्ट को जजेस बढ़ाने की संख्या का अधिकार है मगर एडहॉक बेसिस पे। ये बात लिखी हुई है आर्टिकल 127 में, ठीक है। एडहॉक के लिए क्वालिफिकेशन मैंने बताया, 5 साल सुप्रीम, 5 साल हाई कोर्ट का जज होना चाहिए, या तो 10 साल हाई कोर्ट में उसने अधिवक्ता एडवोकेट के रूप में काम किया हो, क्लियर, और भारत का नागरिक, क्लियर। अब मान लीजिए, जस्ट इमेजिन कि जब सुप्रीम कोर्ट के ऊपर बर्डन पड़ा, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर बर्डन पड़ा, उसको काम करना पड़ रहा है ज़्यादा, उस समय जब सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट्स की तरफ देख रहा है ना कि भाई ठीक है नीचे से उठा के ऊपर जज बना देते हैं, क्वालिफिकेशन ही तो देखनी है बस, योग्यता ही तो देखनी है, उस समय भारत में किसी भी हाई कोर्ट में ऐसा कोई मिल ही नहीं रहा है व्यक्ति
जिसके पास इतनी योग्यता हो कि वो सुप्रीम कोर्ट में जज बन पाए, उस परिस्थिति में क्या किया जाएगा? उस परिस्थिति, उस कंडीशन में आप एडिशनल जज के पास आओगे। किसके पास आओगे? एडिशनल जज के पास। एडिशनल जज का मतलब क्या है? एडिशनल जज का मतलब यहां पर यह है कि जितने सेवानिवृत्त हो चुके हैं सुप्रीम कोर्ट से जज, जितने जज सुप्रीम कोर्ट से सेवानिवृत्त हो चुके हैं, उन्हें आप दोबारा वापस बुला सकते हो। और क्या बना सकते हो? एडिशनल जज। आप बोलोगे यार पहले तो पढ़ा नहीं। सर पहले नहीं पढ़ा तभी तो मैं पढ़ा रहा हूँ, पहले पढ़ लिया होता तो मुझे पढ़ाने की आवश्यकता क्या होती। इसे कहते हैं एडिशनल जज। मैंने आपको बहुत बेहतर भाषा में, अच्छे से अच्छी भाषा में समझाने का प्रयास किया है। आर्टिकल 127 और आर्टिकल 128 के अंदर जो अंतर होगा, डिफरेंस होगा, वो मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया है। बस इतना ही लिखना है सर इसके अंदर, और कुछ नहीं करना। ये लिखा हुआ भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। इसके बाद आता है आर्टिकल 129, 129। आर्टिकल 129 ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए, और बेहतर तरीके से समझाता हूँ आपको। कभी आप किसी वकील के घर गए हैं या किसी वकील के ऑफिस, अगर कभी गए हैं या फिर कोई जानकार है, तो भाई साहब किताबें ऐसी रख रखी होती हैं घरों में, वैसे हम देख के घबरा जाएं कि लग रहा है भाई यही बंदा पढ़ रहा है और तो भारत में कोई पढ़ नहीं रहा है। मगर सर वो किताबें वो पढ़ते नहीं हैं, उन्हें कहा जाता है रिकॉर्ड्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, रिकॉर्ड्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट का मतलब क्या है? सुप्रीम कोर्ट में दिए गए फैसलों की कॉपी को सुरक्षित रखने के लिए कहा जाता है निचली अदालतों को, उसे ही हम कहते हैं रिकॉर्ड्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट। वो लिखा हुआ है कहाँ? वो लिखा हुआ है आर्टिकल नंबर 129 के अंदर, 129 के अंदर। पॉइंट लिख लेना अच्छे से। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की कॉपी को सुनिश्चित रख के सुरक्षित रखा जाता है निचली अदालतों के पास। आप बोलोगे यार ठीक है आपने ओरली तो समझा दिया, मैं समझ भी गया कि हाँ रिकॉर्ड, मगर मतलब क्या है, मीनिंग क्या है? सर एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए कि किसी व्यक्ति ने एक कंप्लेंट दर्ज करी कि भाई मेरे घर का कोई रात को बल्ब तोड़ गया, और मेरे साथ मतलब वारदात हो सकती थी, मेरे ऊपर हमला हुआ, वारदात हो सकती थी। अब वो गया डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने उस फैसले को उसके अगेंस्ट ही सुना दिया। सुना दिया मतलब मान लो अच्छा वकील नहीं मिला। सर वकीलों के हाथ में ही होता है भाई केस जितवाना, वरना तो तुम मान के चलो पहले दिन से कि तुम हारोगे, ये सच्चाई है। जैसे एक शिक्षक के हाथ में है कि तुम्हारी परीक्षा क्वालिफाई होगी या नहीं होगी, तुम्हें क्या पता है यार सही पढ़ रहे हो गलत पढ़ रहे हो, या ये पढ़ना है नहीं पढ़ना, वो एक टीचर ही आपको गाइड करता है, वही तो हम बता रहे हैं आपको। तो वैसे ही वकील के हाथ में है जीतोगे या हारोगे, उसने लगाया ही नहीं कुछ, डॉक्यूमेंट ही नहीं लगाया। अब तुम्हें अच्छा वकील मिला, तुम हाई कोर्ट गए। अब हाई कोर्ट में उस वकील ने, जो डंका वकील तुम्हें मिला, उसने सुप्रीम कोर्ट के पुराने फैसले की कॉपी उठाई और हाई कोर्ट के सामने पेश कर दी। ऐसा थोड़ी है कि तुम्हारा रेयरेस्ट ऑफ रेयरेस्ट केस है कोई, ऐसा तो है नहीं। तुम्हारे घर का बल्ब तोड़ गया भाई कोई बाहर का, और तुम्हारे बाहर चोरी चकारी की घटना जो है वो घटते हुए बची है। उसने कॉपी पेश करी और कहा कि सर सेम मामला था, सेम मैटर था, सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसीजन दिया है, उसे कंसिडर करना पड़ेगा भाई साहब। ये हैं रिकॉर्ड्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट, इसे कहते हैं रिकॉर्ड ऑफ सुप्रीम कोर्ट। और वो जो लेकर बैठे हैं ना वो सारी की सारी बुक्स, उसमें वही लिखा हुआ है। तो जो अच्छे वकील मिलेंगे वो पढ़ते हैं, कंसल्ट करते हैं कई बार उनसे। ठीक है, ये है आर्टिकल नंबर 129, 129। इसके बाद आता है आर्टिकल नंबर 130, 130। सर लिखा हुआ ना आपको सारा का सारा यहाँ मिल जाएगा, इसीलिए मैं लिखने का समय जो है वो थोड़ा सा बचा रहा हूँ। ये देखो ये लिखा हुआ है, ठीक। तो यहाँ लिखने का समय बचा रहा हूँ मैं। सुप्रीम कोर्ट के अभिलेख न्यायालय बनाया जाएगा, मतलब सुप्रीम कोर्ट जो है वो रिकॉर्ड्स कोर्ट रिकॉर्ड उसे कहा गया। इस तरीके से मैंने आपको और बेहतर तरीके से एक्सप्लेन किया। ठीक, आगे चलते हैं 130, आर्टिकल नंबर 130। स्टार्टिंग में एक सवाल बोला था ना कि दिल्ली में ही एक सुप्रीम कोर्ट है, तो दिल्ली में ही एक सुप्रीम कोर्ट है, ये बात कहाँ लिखी हुई है? भारत के संविधान के आर्टिकल नंबर 130 में ये बात लिखी हुई है, 130 में लिखी हुई है। ट्रांसफ़र कर सकते हो सर सीट, आप मुख्य न्यायाधीश अगर कहता है राष्ट्रपति को तो आप सीट को ट्रांसफ़र कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद आता है आर्टिकल नंबर 131, 131। और 131 नंबर का आर्टिकल कहता है ओरिजिनल जुरिसडिक्शन के बारे में, मूल क्षेत्र अधिकार के बारे में। इसको एक बार और समझा देता हूँ आपको, क्योंकि ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। ओरिजिनल जुरिसडिक्शन, ओरिजिनल जुरिसडिक्शन जिसे हम कहते हैं सर मूल क्षेत्र अधिकार, मूल क्षेत्र अधिकार, ओरिजिनल जुरिसडिक्शन। अब मूल क्षेत्र अधिकार क्या होता है? सर ऐसे मामलात जिन्हें केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट में ही दर्ज किया जा सकता है उसे हम
मूल जुरिस्डिक्शन मतलब या फिर मूल क्षेत्र अधिकार ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन के नाम से जानते हैं। ऐसे कौन कौन से मामले हैं? ऐसा मामला है कि अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में धांधली हो जाए तो कहाँ देखा जाएगा? डायरेक्ट ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन के तहत ही देखा जाएगा और उस केस को सुप्रीम कोर्ट में ही दर्ज कर सकते हैं। अगर दो राज्यों के बीच में आपस में लड़ाई हो जाए तो उस परिस्थिति में भी आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, वो केस सुप्रीम कोर्ट में ही सॉल्व होगा। इसके अलावा अगर राज्य और केंद्र के बीच लड़ाई हो जाए तो उस केस के लिए भी आप सुप्रीम कोर्ट ही जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं तीनों के तीनों। फंडामेंटल राइट के लिए नहीं यहाँ पर लिखना है, क्योंकि फंडामेंटल राइट 226 के तहत हाई कोर्ट भी जा सकता है। और जो चीज़ जैसे मैं बोल रहा हूँ, मैं ये तो नहीं बोल रहा हूँ ना कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनावों का मामला हाई कोर्ट भी जा सकता है, नहीं बोला। मैंने बोला केवल सुप्रीम कोर्ट ही जाएगा। तो फंडामेंटल राइट केवल सुप्रीम कोर्ट जाएंगे ऐसा नहीं है, हाई कोर्ट में भी जा सकते हैं 226 के तहत। ठीक है, तो चलिए क्या बोला मैंने, मैंने बोला राष्ट्रपति राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित अगर कोई मैटर होता है, चुनाव से रिलेटेड अगर कोई मैटर होता है तो वो डायरेक्ट कहाँ जाएगा? सुप्रीम कोर्ट जाएगा। इसके साथ साथ मैंने बोला यदि दो राज्यों के बीच में लड़ाई हो जाती है, बस ब्रैकेट में लिखना वो लड़ाई पानी से संबंधित नहीं होनी चाहिए, वरना वो ट्राइब्यूनल में जाएगा। ठीक, पानी से संबंधित मामला नहीं होना चाहिए वो, जैसे वो वाटर डिस्प्यूट है राज्यों के बीच में। और तीसरा यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा, यदि यूनियन गवर्नमेंट मतलब केंद्र सरकार, यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच कोई मैटर होता है तो वो भी कौन सुलझाएगा? वो भी सुलझाया जाएगा सर ओरिजिनल जुरिसडिक्शन के तहत सुप्रीम कोर्ट में। क्लियर, ये था आर्टिकल 131। अब सर कई बार मतलब वैसे ही मूवीज़ हम देखते हैं, कई बार आपने भी मूवी देखी होगी तो आपके भी दिमाग में आया होगा कि यार ये तो डायरेक्ट मामला सुप्रीम कोर्ट में आ गया। तो मान लीजिए अगर हम एक बेसिक डेली लाइफ पर एक एग्जांपल और लेकर देखते हैं, दो व्यक्ति थे, एक का नाम था राम, एक का नाम था श्याम। ठीक, अब राम ने श्याम के ऊपर केस कर दिया, ठीक है, और वो केस उसने कहाँ दर्ज किया? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, निचली अदालत में। अब मान लो कि वहाँ पर राम ने केस दर्ज किया था मगर श्याम जीत गया, राम सेटिस्फाई नहीं होगा सर, सिंपल सी बात है, केस उसने दर्ज किया है भाई, वो सेटिस्फाई क्यों होगा? वो मैटर जाएगा ऊपर, ठीक है, मान लो हाई कोर्ट में आ गया। अब हाई कोर्ट ने क्या किया? हाई कोर्ट ने भी सर उस फैसले को सुनाया और उसमें मान लीजिए कि राम को जिता दिया, अब श्याम हार गया। तो क्या तुम सुप्रीम कोर्ट उसके बाद डायरेक्ट जा सकते हो कि भाई मैं, श्याम क्या बोलेगा, मैं तो सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा, जाना भी चाहिए भाई, अगर उसको लगता है कि वो गिल्टी नहीं है तो उसको जाना चाहिए। तो क्या डायरेक्ट मामला सुप्रीम कोर्ट में चला जाएगा? जा सकता है सर। अगर मान लो मैटर किसका था कि भाई किसी ने स्कूटी गायब कर दी किसी की, या मान लो राम ने बोला श्याम मेरी स्कूटी लेकर गया था, बेच आया, ये मामला था, तो क्या तुम्हें लगता है कि वो जो 33 जज बैठे हैं और एक मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस बैठा है, वो 33 जजों में से एक जज क्या देखेगा, अच्छा भाई इतना बड़ा केस आया आज कि एक बंदे की स्कूटी चोरी हो गई और सुप्रीम कोर्ट उस पर जजमेंट दे रहा है कि उसे 70,000 रुपये वापस देने पड़ेंगे, क्या लगता है? तो सर देखिए, ये सभी मामलातों की जाँच करने के लिए सुप्रीम कोर्ट से पहले आपको एक बॉडी मिल जाएगी, वो केसेस को ओपन करके देखते हैं, खोल कर देखते हैं कि क्या ये केस वाकई ही सुप्रीम कोर्ट में जाने लायक है या नहीं है, उसके बाद उस केस को आगे भेजा जाता है। तो वो जो हम बोलते हैं ना कि तू सुप्रीम कोर्ट में मिलियो आके सीधा, मैं तो ईंट से ईंट बजा दूंगा, तो भाई ऐसे ही सुप्रीम कोर्ट में आप जाके अपने केस को दर्ज नहीं करवा सकते। ठीक है, तो प्रोसेस है, कोर्ट की प्रोसेस है। अब ये क्या मिल जाएगा सर? ये आपको मिल जाएगा जो मैंने बताया कि पहले आप गए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, उसके बाद आप हाई कोर्ट में गए और फिर सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हो, मगर उसके बीच में एक बॉडी आपको मिल जाएगी, इसे हम कहते हैं एपलेट जुरिसडिक्शन अपील क्षेत्र अधिकार, भारत के संविधान का आर्टिकल नंबर 132। इसे हम कहते हैं सर अपील क्षेत्र अधिकार, एपलेट जुरिसडिक्शन, एपलेट जुरिसडिक्शन अपील क्षेत्र अधिकार। ठीक, उम्मीद करता हूं मतलब आप समझ गए हैं सर, अपील क्षेत्र अधिकार। आप बोलोगे सर बस अब तो मेरा हो सकता है पीसीएस में भी हो जाए, भाई बहुत कुछ है पढ़ने के लिए इसमें भी, ठीक है ना। तीन प्रकार की चीज़ें होती हैं, कौन कौन से केस, क्रिमिनल केस को अलग किया गया है, सिविल केस को अलग किया गया, उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल केस को अलग किया गया, उसके बाद अलग अलग आर्टिकल्स भी हैं जो केवल क्रिमिनल से डील करता है, सिविल से डील करता है, ऐसा भी है। ठीक है, बट उतना ज़्यादा गहराई में हमें जाने की आवश्यकता मुझे नहीं लगता है।
बट क्रिमिनल, सिविल और कॉन्स्टिट्यूशनल मामलातों के लिए आर्टिकल्स भी हैं। ठीक, मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ तक की चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। चलिए जी, तो अपील ज्यूरिसडिक्शन के बारे में मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, अपील ज्यूरिसडिक्शन का चार्ट बना लेना एक बार, क्योंकि कई बार हमें ऐसा होता है कि हम भूल जाते हैं। ठीक है सर, देखो हर चीज़ अगर रटते रहोगे ना, आप हाथ रख के सोचोगे मैं तो सारे आर्टिकल्स रट लूँगा, पॉसिबल नहीं है सर, दो दिन बाद भूल जाओगे। आपको समझना तो पड़ेगा यार। अब मान लो नौकरी लग गई, कल को मानो तुम्हारी हाई कोर्ट में ही जॉब लग गई टाइपिस्ट की, एटलीस्ट तुम्हें पता तो होना चाहिए तुम्हारा काम क्या है। तुम्हें यही नहीं पता होगा तुम्हारा काम क्या है तो तुम्हारे साथ समस्या आएगी। ठीक है, तो मैंने आपको बोला यहाँ पर आप लिख लेना सर, जिला न्यायालय डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ठीक है, हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय, और उसके बाद यहाँ पर आप लिख लेना सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, ऐसे ये आपको देखने के लिए मिल जाएगा। वैसे तो सबऑर्डिनेट कोर्ट भी होता है, मगर हम बेसिक भाषा में हम तो केवल डील कर रहे हैं। ठीक, 132 क्लियर हो गया। ठीक, आगे चलते हैं सर, 136, उसकी नीड नहीं है मगर फिर भी स्पेशल लीव पेटिशन, SLP लिखा हुआ है वहाँ पे, स्पेशल लीव पेटिशन 136 नंबर के आर्टिकल में, 136 के अंदर। ठीक है, स्पेशल लीव पेटिशन अगर तुम्हें पढ़ना है, तुम PCS ही पढ़ना चाहते हो, तो भाई रूपा हुर्रा वर्सेस अशोक हुर्रा साल 2002 केस दर्ज हुआ था, वहाँ पर आप SLP के बारे में पढ़ सकते हो। रूपा हुर्रा वर्सेस अशोक हुर्रा साल 2002, SLP से संबंधित चीज़ें आप वहाँ पर पढ़ सकते हो, स्पेशल लीव पेटिशन। ठीक, SLP स्पेशल लीव पेटिशन। आगे चलते हैं 137, 137 के बारे में जानते हैं। 137 हमें बताता है सर जुडिशियल रिव्यू के बारे में। ठीक है, पुनः जांच के बारे में, जुडिशियल रिव्यू के बारे में, बस सीधा सिंपल भाषा में मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ सर इसके बारे में भी, ताकि एटलीस्ट आपको आगे चल के ऐसा ना लगे कि यार चेतन सर जब पढ़ाई रहते फ्लो में तो बहने ही दे जाते पढ़ाई देते। ठीक है ना, इसीलिए देखो सर, जुडिशियल रिव्यू कहाँ से उधार लिया है, तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका USA के संविधान से आपने जुडिशियल रिव्यू का जो तरीका है वो उधार लिया है। ठीक, इसके साथ साथ जुडिशियल रिव्यू ना दो प्रकार के हैं भारत के ही संविधान में, दो प्रकार के, दो टाइप के आपको जुडिशियल रिव्यू मिल जाएंगे। एक आपको मिलता है इनडायरेक्ट जुडिशियल रिव्यू, जिसे आप प्रत्यक्ष कानून की पुनः जाँच आप बोल सकते हो। ठीक है, कानून का पुनः लेखन आप बोल देते हो कई बार, तो कानून की पुनः जाँच जुडिशियल रिव्यू, इनडायरेक्ट जुडिशियल रिव्यू, ठीक है, अप्रत्यक्ष इनडायरेक्ट, ये आपको मिल जाएगा भारत के संविधान के आर्टिकल नंबर 13 में, 13 में। ठीक है, उसको भी मैं आपको फंडामेंटल राइट करवाऊंगा, कोशिश करूंगा थोड़ा बहुत समझा दूंगा। ठीक, तो आर्टिकल नंबर 13 में इनडायरेक्ट जुडिशियल रिव्यू है, और डायरेक्ट जुडिशियल रिव्यू आपको मिल जाएगा आर्टिकल नंबर 137 में, 137 के अंदर आपको डायरेक्ट जो है वो जुडिशियल रिव्यू मिल जाएगा। ठीक है, 137, 137। इसके बाद एक और आर्टिकल आपको देखने के लिए मिल जाएगा, वो आर्टिकल है आर्टिकल 143, 143। ठीक, 136 भी यहाँ लिखी दे, 136, 136, SLP स्पेशल लीव पेटिशन, 137 जुडिशियल रिव्यू कानून की पुनः जांच, जुडिशियल रिव्यू। ठीक, इसके अलावा आर्टिकल 143 जो हमें बताता है एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन के बारे में, सलाह क्षेत्र अधिकार के बारे में। ठीक है, लिख भी देता हूँ मैं यहाँ पे, 143, 143 सलाह क्षेत्र अधिकार, ये डायरेक्ट आ सकते हैं सर आपके एग्जाम में, सलाह क्षेत्र अधिकार, एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन, क्या बोलेंगे सर इसे, इसे बोला जाएगा एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन। ठीक, सलाह क्षेत्र अधिकार, एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन, राष्ट्रपति किसी भी मामलात में सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांग सकता है, यही लिखिएगा, राष्ट्रपति किसी मामलात में सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांग सकता है, मगर सुप्रीम कोर्ट सलाह देने के लिए बाध्य नहीं है। ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांगी है तो सुप्रीम कोर्ट को देनी ही पड़ेगी, ऐसा नहीं है सर, बाध्य है सलाह देनी है, उसकी मर्जी है, उसकी मर्जी है वो ना दे तो, ठीक है, बाध्य नहीं है, क्लियर। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने जो सलाह दी है
उसे मानने के लिए भी राष्ट्रपति बाध्य नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला नहीं आपको यही करना है, ऐसा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट बोलेगा आप ऐसा कर सकते हो करना चाहो तो, राष्ट्रपति करेंगे या नहीं करेंगे वो उनकी मर्जी है अपने हिसाब से। और एक बात मैं उम्मीद करता हूँ कि आप पहले से थोड़ा जानते, नहीं जानते तो राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के हिसाब से ही, ठीक है ना, मंत्रिपरिषद के अध्यक्ष प्रधानमंत्री, तो अगर प्रधानमंत्री को कोई सलाह चाहिए तो राष्ट्रपति को बोलेंगे, राष्ट्रपति आगे वो सलाह लेंगे। जैसे बैरूबारी केस में हुआ था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से कहा कि आप सुप्रीम कोर्ट से सलाह लीजिए, सुप्रीम कोर्ट ने सलाह दी और सुप्रीम कोर्ट की सलाह को आगे चलकर फॉलो भी किया गया। वैसे ही इसे हम कहते हैं क्या, एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन, सलाह क्षेत्र अधिकार। आज तक 12 से लेकर 15 बार सलाह क्षेत्र अधिकार राष्ट्रपति ने इस्तेमाल किया है एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन को। क्लियर? तो ये सुप्रीम कोर्ट के महत्वपूर्ण अनुच्छेद थे, सुप्रीम कोर्ट के महत्वपूर्ण आर्टिकल थे जिनको हमने डील किया है। इसके साथ साथ सर कुछ सवालों को भी देख लेते हैं, कुछ क्वेश्चंस को भी यहाँ पर डील कर लेते हैं, एक दो क्वेश्चंस को डील कर लेते हैं, बाकी तो आसान है सर। ठीक, जैसे व्हेन वॉज सुप्रीम कोर्ट एस्टैब्लिश इन इंडिया, भारत में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब की गई, तो हम तो पढ़ के आ गए भाई, 26 जनवरी 1950 को सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। ऑप्शन नंबर सी सवाल का सही जवाब है। पहली बैठक कब करवाई गई, पहली बैठक करवाई गई 28 जनवरी 1950 को। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया केम इन टू बिगेन, मतलब काम करना कब से शुरू किया, अस्तित्व में कब से आया, काम करना कब से शुरू किया, तो भाई अगर वो पूछता है कि काम कर, मतलब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया केम इन टू बिगेन, अगर बिगेन पूछता है तो सर यही हो जाएगा, और अगर वो पूछता है कि वर्क कब से शुरू किया, तो वर्क यहाँ पर आप बोल दोगे ये। ठीक, तो दोनों अलग अलग प्रकार के सवाल हैं सर। काम करना पूछता है तो काम करने का बोल देंगे, और इस तरीके से पूछता है तो इस तरीके का बोल देंगे। क्लियर? ये अब सुप्रीम कोर्ट के बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको मिल जाएगी। बाकी जो क्वेश्चंस हैं अपने लिए होमवर्क के रूप में मानिएगा सर, कि वो क्वेश्चंस आपको होमवर्क के रूप में देखने के लिए मिल जाएंगे, उन क्वेश्चंस को होमवर्क में डील कीजिएगा, क्योंकि ऑलमोस्ट मैंने सारे के सारे चीज़ें जो हैं आपको डील करवा दी हैं। क्लियर? इसके साथ साथ भाई दिवाली का महाधमाका ऑफर ये जो है ये निकल ना जाए, ठीक है, ये जो दिवाली का महाधमाका ऑफर है ये महाधमाका ऑफर आपके हाथों से ना निकल जाए। तो 90% तक यहाँ पर आपको डिस्काउंट देखने के लिए मिल रहा है सभी कोर्सेज पर, सभी कोर्सेज पर, लगभग लगभग सभी कोर्सेज पर 90% तक डिस्काउंट आपको देखने के लिए मिल रहा है। साथ साथ जिस टेस्ट सीरीज़ के लिए आपको पे करना पड़ता है वो टेस्ट सीरीज़ आपको बिल्कुल मुफ्त फ्री में मिल रही है, और इसके अलावा 6 महीने की एक्स्ट्रा वैलिडिटी भी आपको देखने के लिए मिल रही है। तो आज ही इस अवसर का फ़ायदा उठाइए, क्योंकि 11 नवंबर तो हो ही गया, 15 नवंबर तक वैलिडिटी है केवल इसकी, तो इस अवसर का फ़ायदा लीजिए, इस अवसर का बेनिफिट ज़रूर लीजिए। साथ के साथ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्लास आपको कैसी लगी, और होमवर्क के क्वेश्चन ज़रूर कवर करना। ठीक है, थैंक यू सो मच।